गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। हिस्ट्री की टाइमलाइन को आपने इतना पसंद किया था, उस क्लास में हमने हिस्ट्री के लिए एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में फॉर्म की थी, ठीक उसी तरह आज की क्लास में हम संविधान के बारे में जानेंगे, समझेंगे और आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक को याद करेंगे। आज की क्लास का उद्देश्य है आर्टिकल 1 से 51 तक को याद हम इसी क्लास के माध्यम से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए हमारे संविधान का भाग 1 क्या कहता है। आज हम 4 भाग को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पहला भाग देखते हैं, भाग 1 क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। याद कैसे रहेगा कि कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं, तो इसके लिए देखिए हम बात कर रहे हैं भाग 1 की। भाग 1 और मैंने कहा इसमें 4 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद भाग 1 में आते हैं। और भाग 1 कहता किसके बारे में है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो देखिए हम बात कर रहे हैं बेसिकली टेरिटरी की। और देखिए इसे याद करने का सबसे बेस्ट वे है कि दिशाएं कितनी होती हैं, 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और हम किसी भी टेरिटरी को मापते समय क्या ध्यान रखते हैं कि उसका एरिया उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना है। तो भाग 1 जब बात ही भारत और उसके राज्य क्षेत्र की कर रहा है तो उसमें अनुच्छेद कितने रहेंगे, 4। कैसे, जैसे मेन डायरेक्शंस 4 होती हैं, ठीक उसी तरह भाग 1 में भी 4 अनुच्छेद हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो देखिए आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद कर लीजिए यहीं से कि यहाँ पे इंडिया दैट इज भारत, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत और इंडिया दोनों ही नाम दिए गए हैं, तो वो है आर्टिकल 1, इसमें दोनों नाम दिए गए हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और हमारे जो राज्य हैं वो किसी समझौते के तहत, किसी एग्रीमेंट के तहत संविधान में नहीं जुड़े हैं या भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं जुड़े हैं, अर्थात US की तरह हमारा कोई स्टेट जब चाहे तब भारत से अलग नहीं हो सकता, इसीलिए भारत क्या है, अखंड भारत है। अब देखिए आर्टिकल 1 और क्या बात कहता है, राज्यों और राज्य क्षेत्र। हमने ये तो कह दिया कि भाग 1 में भारत और उसकी टेरिटरी की बात होगी, अनुच्छेद 1 किस बारे में कह रहा है, अनुच्छेद 1 बता रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें आएंगी। तो पहली चीज आएगी राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी आपके जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे आएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया नंबर 2 में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो ये क्या हो गई हैं, यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट, अर्जित किए गए क्षेत्र, जो भी भारत कोई क्षेत्र को एक्वायर करेगा, अर्जित करेगा, वो भी किस में आएगा, आर्टिकल 1 में आएगा। तो आर्टिकल 1 में बेसिकली बात की गई है भारत के क्षेत्रफल की, भारत के एरिया की, जिसमें क्या चीजें मेंशन है, पहली चीज मेंशन है कि भारत में उसके राज्यों के राज्य क्षेत्र इंक्लूड होंगे, यूनियन टेरिटरीज का जो एरिया है वो इंक्लूड होगा, और तीसरा जो भारत एक्वायर करेगा वो एरिया भी भारत का राज्य क्षेत्र कहलाएगा। तो आर्टिकल 1 क्लियर है आप सभी बच्चों का। चलिए अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 2 की। अब देखिए हो सकता है कि शुरू के
5-10 आर्टिकल तक आपको, इवन भाग एक और भाग दो तक आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आए और लगे कि थोड़ा याद करना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है, लेकिन यकीन मानिए भाग तीन जहां से मूल अधिकार शुरू होते हैं और डीपीएसपी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आर्टिकल दो क्या कह रहा है कि नए राज्यों क्षेत्रों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश या स्थापना। हमने अनुच्छेद एक में ये तो बता दिया कि भारत जो क्षेत्र अर्जित करेगा वो भी भारत का ही राज्य क्षेत्र होगा, लेकिन जो भारत क्षेत्र अर्जित करेगा उसे भारत में मिलाने की प्रक्रिया क्या होगी, उस प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है आर्टिकल दो में। आर्टिकल दो बात करता है कि यदि भारत किसी नए क्षेत्र को शामिल कर रहा है खुद में तो वो किसके तहत करेगा, अनुच्छेद दो के तहत करेगा। याद रखना ये नए राज्यों के लिए, नए क्षेत्र के प्रवेश की बात कर रहा है। अब देखना आर्टिकल तीन बात कर रहा है नए राज्यों का निर्माण, ये निर्माण है यहाँ पे, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब ये क्या बात है, और आपको लगेगा आर्टिकल दो और तीन सेम ही तो बात कह रहे हैं, सेम बात नहीं है। आर्टिकल तीन को जरा समझना, नए राज्यों का निर्माण, कौन से राज्य, पहले से एग्जिस्ट कर रहे राज्य की सीमा में परिवर्तन करके नए राज्य का निर्माण करना आर्टिकल तीन के तहत आएगा। और अगर भारत में कोई पहले से राज्य नहीं है, हमने एक्वायर किया है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का मन हो जाए कि मुझे भारत में शामिल होना है, तो हम किस आर्टिकल के तहत उसे शामिल कर लेंगे, आर्टिकल दो के तहत, अब याद रहेगा। और आर्टिकल तीन क्या कहता है कि यदि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके हमें नया राज्य, नए राज्य का निर्माण करना है तो किसके तहत करेंगे, आर्टिकल तीन के तहत। अब बात ठीक से समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा सीमा में परिवर्तन, जब नया राज्य बनाएंगे तो सीमाओं में परिवर्तन होगा, जैसे यूपी से हमने उत्तराखंड को अलग किया तो यूपी की सीमा में परिवर्तन हुआ, तो ये सब कौन सी प्रक्रिया, कौन से अनुच्छेद में दी गई है, आर्टिकल तीन में दी गई है। अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, जैसे मध्य प्रदेश का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत रखने की बात चल रही है, तो ये किस प्रक्रिया के तहत या संविधान में कहां इसका उल्लेख है कि संसद ऐसा कर सकती है, तो आर्टिकल तीन में इस बात का उल्लेख है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमा को घटा सकती है, उनकी सीमा को बढ़ा सकती है। यहां तक हो गए अपने आर्टिकल तीन। अब देखिए आर्टिकल चार, बात समझ आ रही है डेफिनेटली। देखिए हमने बात की है भाग एक की, भाग एक बात करता है भारत और उसका राज्य क्षेत्र। अब उसमें चार अनुच्छेद हैं, जैसे मेजर डायरेक्शन हमारी चार होती हैं, ठीक उसी तरह से उसमें चार अनुच्छेद हैं, आर्टिकल एक, आर्टिकल दो, आर्टिकल तीन, आर्टिकल चार। एक में हमने बात कर ली कि भारत के क्षेत्र में आखिर कौन कौन से एरिया होंगे, तो हमने बात की कि आर्टिकल एक के तहत भारत में जितने भी राज्य हैं उनके क्षेत्र, भारत की यूनियन टेरिटरीज के क्षेत्र, और भारत जो अर्जित करेगा वो सारे क्षेत्र मिलकर क्या बनाएंगे, भारत का राज्य क्षेत्र। आर्टिकल दो बात करता है कि यदि कोई क्षेत्र भारत में बाहर से शामिल करवाना है तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल दो में है, जैसे पाकिस्तान अगर भारत में मिलना चाहे तो हम किसके तहत मिलाएंगे, आर्टिकल दो के तहत। आर्टिकल तीन बात करता है कि वर्तमान में जो राज्य एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी सीमा में परिवर्तन करना है, उनके नाम में परिवर्तन करना है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो किसके तहत किया जाएगा, आर्टिकल तीन के तहत। अच्छा, तीन में एक बात और याद रखना, आर्टिकल तीन यहां पे हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उस राज्य से पहले अनुमति लेगा। ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति यदि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करना है तो राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश की विधानसभा से अनुमति मांगेगा कि क्या आपके राज्य में ये परिवर्तन कर दें। अच्छा, मान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने मना कर दिया कि मत करो परिवर्तन,
तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी आप कह सकते हो इसे, लेकिन हाँ ये प्रक्रिया पूरी की जाती है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से अनुमति मांगेगा और सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, जो सलाह वो देंगे। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 को 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। और 368 क्या है पहले ये देख लेते हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संसद को ये अधिकार है, ये शक्ति है संसद के पास कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। और हम क्या देख रहे हैं, अनुच्छेद 4 ये बात कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 को 368 के तहत नहीं देखा जाएगा। सीधा सीधा अगर इसका मतलब समझें कि अगर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग राज्य बना रहे हैं उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। अगर यूपी से उत्तराखंड बनाया गया था तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं थी। अगर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड अलग किए गए हैं उसके लिए कहीं से कहीं तक संविधान संशोधन नहीं किया गया। क्लियर है? अब चलिए, ये बात हो गई हमारे भाग एक की। भाग एक कंप्लीट, 4 अनुच्छेद पूरे हो गए हैं। अब बात करते हैं भाग 2, नागरिकता। देखिए बहुत सिंपल है, आप कभी नहीं भूलेंगे कि आखिर भाग एक के बाद भाग 2 में क्या दिया गया है। हम सबसे पहले क्षेत्र को डिफाइन करते हैं, उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में, यानी नागरिक कौन होगा। क्षेत्र डिफाइन कर दिया कि भारत जो देश है उसमें कौन कौन सा एरिया शामिल है। अब उस एरिया में रहने वाले लोगों की बात की जाएगी, तो लोगों की बात करेंगे तो यानी क्या करेंगे, नागरिकों की बात, नागरिकता। कौन वो लोग हैं जिन्हें हम भारत का नागरिक कहेंगे। तो ये क्या शुरू हो गया है, भाग 2 शुरू हो गया है नागरिकता से, और ये चलेगा 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अब देखिए आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 क्या कहता है, भारत का नागरिक कौन होगा, जो भारत में जन्मा था, जिसका जन्म भारत में हुआ था वो भारत का नागरिक है, जिसके माता या पिता भारत में जन्मे थे। ये बात चल रही है जब संविधान बन रहा था और उसमें अनुच्छेद लिखे जा रहे थे, शामिल किए जा रहे थे, तो आप उस समय की संविधान सभा की मनस्थिति को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए संविधान पढ़ना, अनुच्छेदों को याद करना एक बहुत इजी टास्क हो जाएगा। और देखिए संविधान के अनुच्छेद सिर्फ इसीलिए नहीं रटने हैं कि हमारे कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं और हमें क्वेश्चन सही करने हैं और नौकरी पानी है, जॉब पानी है, वो ठीक है, वो एक डायरेक्शन ठीक है, आपको ऐसा करना है, आपको पढ़ना है, आपको याद करना है और आपको कंपिटेटिव एग्जाम पास करना है, ये बात ठीक है। लेकिन क्या जिस देश में आप रहते हो वहां के मूल अधिकार आपको क्या दिए गए हैं, वहां की नागरिकता आपको कैसे मिली है, उसका क्षेत्रफल क्या है, वहां की सरकार किस तरह से डीपीएसपी के तहत काम करती है, और उस देश में रहने के नाते आपके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, क्या आपको नहीं मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये जो आज का वीडियो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, वो सिर्फ स्टूडेंट तक ही सीमित नहीं है, वो हर सिटीजन जो खुद को भारत का एक अवेयर सिटीजन कहता है, एक नागरिक कहता है, उसे भी पता होने चाहिए। तो यदि नहीं पता है, नहीं याद है, नहीं उसकी समझ बन पाई है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एक बार देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है उसके बाद आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऑल क्लियर नहीं, क्लियर हो जाएंगी। चलिए आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 बात करता है कि भारत का आखिर नागरिक होगा कौन। तो जिसने भारत में जन्म लिया है वो क्या है, भारत का नागरिक है, या फिर जिसके, यहां या लगा लीजिए, या जिसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ था, या फिर 1945 ईस्वी के पहले से ही भारत में वो व्यक्ति निवास कर रहा था, तो आज हम उसे क्या कहेंगे, भारत का नागरिक। तीन ही कंडीशन है, इनमें से कोई भी एक शर्त अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। या तो आपका जन्म भारत में हुआ है,
या फिर आपके माता पिता, माता पिता दोनों या माता या पिता किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, या फिर आप 1945 ईस्वी के पहले से ही भारत में एक सामान्य निवासी के तौर पर निवास कर रहे थे, तो आप क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक। अब देखिए आर्टिकल 6, मैंने कहा अगर आप संविधान सभा की मनस्थिति को थोड़ा सा भी विजुअलाइज करेंगे तो आपको अनुच्छेद याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कारण देखिए, संविधान बन रहा था 1946 से और हमने लागू किया 1950 से, ये चीज क्लियर है। 9 दिसंबर 1946 और 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर दिया। अब इसी बीच में क्या हो गया था? पार्टीशन। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ और आजादी में ही हमें तोहफा क्या मिला? भारत का विभाजन। तो देखिए उस समय के जो संविधान निर्माता थे उनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि आखिर जो लोग पाकिस्तान से भारत में आएंगे उन्हें हम नागरिकता कैसे देंगे। तो आर्टिकल 6 में वर्णन किया गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। इसमें दो क्लोज हैं। पहला है 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत में आ गया है, यानी वर्तमान का जो पाकिस्तान है, लाहौर से, कराची से या कहीं से भी कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक बनना चाह रहा था और वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया है तो वो सामान्य तौर पर निवास कर रहा है, वो भारत का नागरिक है। और यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आना चाह रहा है तो उसे यहां आने के 6 महीने तक सामान्य तौर पर निवास करने के बाद एक आवेदन करना पड़ेगा। उस टाइम कुछ लोगों को भारत सरकार ने नियुक्त कर रखा था इस काम के लिए, रजिस्ट्रार। तो उस समय के जो लोग थे उनके सामने आवेदन, एक एप्लीकेशन आपको देनी थी उन अधिकारियों को, और वो एप्लीकेशन आपकी मान्य कर देते और आप क्या बन जाते? भारत के नागरिक। तो देखिए प्रेजेंट में किसी भी एग्जाम में आपको आर्टिकल 6 और 7 से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते, क्योंकि ये दोनों अनुच्छेद उसी समय प्रासंगिक थे और उसी समय के स्थिति को देखते हुए ये बनाए गए थे। ठीक है, आज हमें इनकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब देखिए आर्टिकल 7, लेकिन हम सबका ओवरव्यू ले रहे हैं और याद रखना इसमें हम हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते जा रहे हैं कि आखिर अनुच्छेद को याद कैसे किया जाता है और उसके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। चलिए आर्टिकल 7, सिंपल बात चल रही है मेरे हिसाब से। भाग 2 बात करता है नागरिकता की। नागरिकता में सबसे पहले आर्टिकल 5 आएगा, क्योंकि भाग 1 में अनुच्छेद 4 तक हम देख चुके हैं। भाग 2 आर्टिकल 5 क्या कहता है कि भारत का नागरिक कौन होगा? इन तीनों शर्तों में से जो भी शर्त पूरी की जा रही है वो भारत का नागरिक है। आर्टिकल 6 क्या बात कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को हम किस आधार पे नागरिकता देंगे, तो वो आर्टिकल 6 में मेंशन है। आर्टिकल 7, यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है तो उसे नागरिकता का अधिकार नहीं रहेगा, ये आर्टिकल 7 में लिखा है। लेकिन एक सिनेरियो सोचो, और इसमें डेट दी गई है 1 मार्च 1947। इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 1 मार्च 1947 को जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है उसकी भारत की नागरिकता रद्द हो गई है, खत्म हो गई है, वो भारत का नागरिक नहीं है। अब देखिए मान लेते हैं 1 मार्च 1947 से पहले कोई व्यक्ति चला गया है लाहौर में और अब उसे लग रहा है कि पाकिस्तान में तो वो नहीं रह पाएगा, अब वो भारत आना चाह रहा है। तो देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को भी उतना ही मान सम्मान दिया। कैसे? वसुधैव कुटुंबकम की भावना से। देखिए इसमें भी क्लोज जोड़ दिया गया कि ठीक है कोई व्यक्ति चला गया पाकिस्तान लेकिन अब उसका मन हो रहा है भारत में आने का, तो वो आर्टिकल 6 में जो दो बातें दी गई थी उनके तहत भारत में आ सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। यानी अगर वो 19 जुलाई 1948 तक भारत में आ जाता है
तो ठीक है, वो वैसे भी भारत का नागरिक कहला जाएगा, भले ही वो 1 मार्च को चला गया था, लेकिन इस डेट से पहले वो वापस भी आ गया है भारत में। अब देखिए, या फिर वो व्यक्ति मान लेते हैं 20 जुलाई को भारत में आया, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा भारत की नागरिकता लेने के लिए? मान लेते हैं कोई व्यक्ति लाहौर से भारत की नागरिकता लेने के लिए, भारत का नागरिक बनने के लिए, भारत में बसने के लिए 20 जुलाई 1948 को भारत आया, तो उसे यहाँ पे 6 महीने रहते हुए सामान्य निवासी के तौर पे रहना पड़ेगा और उसके बाद एक आवेदन करना पड़ेगा और उसके बाद वो क्या बन जाएगा? भारत का नागरिक। चलिए, आर्टिकल 6 और 7 से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब देखिए आर्टिकल 8 क्या बात कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जब भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था तो उस समय बहुत से भारतीयों को अलग अलग देशों में मजदूरी करने भेज दिया गया था, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं। वो दक्षिणी अमेरिका में या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चले गए और काफी लंबे समय तक वहीं रहते रहे। अब देखिए, संविधान निर्माता उनकी भावना देखिए कि यदि कोई भारतीय उद्भव का व्यक्ति है और वो किसी ओवरसीज कंट्री में रह रहा है, तो क्या भारत के आजाद हो जाने पे उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होने का अधिकार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो भारतीय उद्भव के वे लोग जो किसी ना किसी कारणवश जबरदस्ती या अपनी इच्छा से दूसरे देश में रहने लग गए थे या दूसरे कॉन्टिनेंट में रहने लग गए थे आजादी के बाद, उनको भी ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो भारत के नागरिक बन सके। तो आर्टिकल 8 में प्रक्रिया दी गई है उन लोगों को भारत का नागरिक बनाने की जो भारत के बाहर रह रहे थे। चलिए आर्टिकल 9 बात कर रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। याद रखना, भारत में एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता का प्रावधान है। या तो आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, दो नागरिकताएं नहीं मान्य है। अब देखिए आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी आप एक बार भारतीय नागरिक बन गए हैं तो आपको अधिकार है कि आप भारत के नागरिक बने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 11, संसद नागरिकता संबंधी कानूनों का विनियमन करेगी और इसी के तहत अभी वर्तमान में जो नागरिकता संशोधन विधेयक चल रहा था, जिसपे इतना बवाल चल रहा था पूरे देश में, वो इसी के तहत संसद लेकर आई थी आर्टिकल 11 के तहत। तो कैसे? क्योंकि संविधान ने संसद को ये अधिकार दिया है, ये शक्ति दी है कि वो समय समय पे नागरिकता संबंधी कानून ला सकती है। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी भारतीयों की नागरिकता निरस्त नहीं की जा सकती। किसी भी भारतीय व्यक्ति को संसद कानून बनाकर ये नहीं कह सकती कि अब से आप भारत के नागरिक नहीं हो। तो इसीलिए इस चीज को मिसगाइड होकर पढ़ने की नीड नहीं है। पहले ही आर्टिकल 10 दे दिया गया है कि नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखने का अधिकार है सभी भारतीयों को। और आर्टिकल 11 में कहा है संसद को ये अधिकार होगा कि वो समय समय पे नागरिकता से संबंधित कानून नियम ला सकती है, बना सकती है। तो ये हो गए हमारे भाग 2 कंप्लीट। अब देखिए भाग 3 में है मूल अधिकार। भाग 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकार भाग 3। और ये मूल अधिकार भाग 3 कहां से कहां तक हम देखते हैं? आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, 12 से लेकर 35 तक ये हमारे मूल अधिकार हैं। अब थोड़ा सा चीजों को याद कर लेते हैं। हमने अभी तक 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं, भाग 1 और भाग 2, और अब हम पढ़ रहे हैं भाग 3 को। तो देखिए भाग 1 में हमने बात की थी कि आर्टिकल 1 से लेकर के और 4 तक इसमें आर्टिकल हैं। भाग 1 में
भाग दो में है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, और भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, और भाग 4 ये है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और इन्हीं को याद करना आज का हमारा उद्देश्य है। अब देखिए याद कैसे करें, भाग 3 ये है, भाग 4 ये है, भाग 2। भाग 3 शुरू होता है 12 से लेकर और ख़त्म होता है 35 पे। इसे याद कैसे करते हैं देखिए, एक ट्रिक कह लीजिए आप इसे, 12 × 3 = 36। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक छोटी सी रीजनिंग है, अगर आप इसे लगा लेंगे तो कभी आप कौन से भाग में कहां से कहां तक अनुच्छेद आते हैं इसको नहीं भूलोगे। अनुच्छेद 12 भाग 3 ये भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर्टिकल को, और 36 में से शुरू हो जाता है भाग 4। तो आपको याद सिर्फ क्या रखना है, 12 × 3 = 36। वो 12 × 3 तक ही याद रखना है, 36 होता है आपको पता है, 36 में से शुरू हो जाता है भाग 4 और भाग 3 शुरू होता है आर्टिकल 12 से। अब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं। कैसे, भाग 1 टेरिटरी की बात करता है, 4 डायरेक्शन से हमने याद किया है, मेजर डायरेक्शन 4 होती हैं, तो भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। भाग 3 12 × 3, भाग 3 आर्टिकल 12 से शुरू होता है और भाग 4 36 से शुरू होता है, तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि 35 तक क्या रहेगा आपका, भाग 3 रहेगा। अब चारों भाग के आर्टिकल आपको याद हैं, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और भाग 4 36 से लेकर 51 तक। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं भाग 3 की डिटेल में, क्योंकि ये वो भाग है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे सिर्फ एक स्टूडेंट होने के नाते याद नहीं करना। स्टूडेंट होने के नाते तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट होने के नाते याद नहीं करना है, आपको एक सभ्य समाज के सभ्य नागरिक होने के नाते, एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में संविधान में कहाँ पे नागरिकता दी गई है, क्या मूल अधिकार दिए गए हैं, क्या आपके मूल कर्तव्य हैं, और भारत का एरिया कहाँ डिफाइन है, कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद में भारत के एरिया को डिफाइन किया गया है, और यही भाग 1 से लेकर 4 तक में बातें हैं। तो ये एक आम नागरिक को भी पता होनी चाहिए। अब देखिए भाग 3 आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 बात करता है राज्य की परिभाषा की। राज्य को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 12 में, और राज्य क्या है, जो भी संस्था जो भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहायता प्राप्त करती हैं वो सभी राज्य हैं, ये परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। आर्टिकल 13 किस बारे में बात करता है, और देखिए राज्य को परिभाषित करने का यहाँ पे ऐसा क्या कारण रहा होगा कि संविधान निर्माताओं ने भाग 3 जो कि मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ पे राज्य को परिभाषित किया है। इसके पीछे कारण है कि सारे मूल अधिकारों में आप पढ़ोगे कि ये मूल अधिकार संविधान नागरिकों को देता है और राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य इसमें कमी नहीं कर सकता, यानी कहीं ना कहीं राज्य को निषेध किया गया है, रोका गया है, तो बार बार राज्य शब्द आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे राज्य को क्या कर दिया है, परिभाषित कर दिया है। अब देखिए आर्टिकल 13, भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 13 को संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहा था, क्यों कहा होगा, पहले आर्टिकल को समझते हैं तो आप अपने आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि ऐसा इस अनुच्छेद में क्या है कि इसको भीमराव अंबेडकर ने पूरे संविधान के 395 अनुच्छेदों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 13 को बताया। तो देखिए
आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आर्टिकल 14 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि देखिए आर्टिकल 12 और 13 में कोई मूल अधिकार अभी तक आपको नहीं दिया गया है, इसमें राज्य को परिभाषित कर दिया 12 में, और 13 में क्या कहा गया है कि मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती, यानी संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों में कमी करता हो, या किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जा सकता जो मूल अधिकारों को घटा दे, कम कर दे। अब देखिए, एक तो मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती, ये लिख दिया आर्टिकल 13 में। दूसरी बात, विधि की परिभाषा, विधि को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 में। विधि क्या है? विधि यानी कोई भी नियम, कानून, उपनियम या रूढ़िवादी, रूढ़िवादिता जो चली आ रही है अभी तक, वो विधि की परिभाषा के तहत आएंगे। और इसके लिए क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस आर्टिकल की, क्या कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी व्यक्ति या संस्था मूल अधिकारों के हनन पे जाती है, पहुंचती है कोर्ट, तो कोर्ट के पास क्या अधिकार है या संविधान ने उसे कौन से अनुच्छेद में ये अधिकार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस विधि को, उस नियम को, उस कानून को जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, खत्म कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है, निरस्त कर सकती है, निल कर सकती है। तो उसी चीज का आधार है आर्टिकल 13, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ही वो अनुच्छेद है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्रदान करता है। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अब इसमें दो चीजें हैं, आर्टिकल 13 में दो चीजें हैं। 1947 आजादी से पहले की बनी हुई कोई भी ऐसी विधि या कानून या रूढ़िवादिता जो मूल अधिकारों को वर्तमान में कम करती है या उनका हनन करती है, उसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं। दूसरा, 1947 के बाद बना हुआ या संसद के द्वारा बनाया हुआ कोई भी ऐसा कानून या विधि या नियम या उपनियम जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, उसे भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के तहत क्या कर सकती है, निल कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है, और उसी मात्रा में जितनी मात्रा में वो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। जैसे कोई ऐसा नियम बना दिया संसद ने जिससे मूल अधिकारों में कमी हो रही है, तो उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। और खारिज कौन करेगा, उसे शून्य घोषित कौन करेगा, या तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको याद रहेगा। अब देखिए आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 से पहले हम इन अधिकारों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब शुरू हुए हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके मूल अधिकार। सबसे पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, पहले मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी एक मूल अधिकार था। जो हमारा संविधान बना था जब, उस समय संपत्ति का अधिकार भी क्या था, मूल अधिकार था, और इसे निरसित कर दिया गया है, इसे एबोलिश कर दिया गया है, और इसे कहां रख दिया है, मूल अधिकारों से हटा करके इसे वैधानिक अधिकार बना दिया है, ठीक है, कानूनी अधिकार है अब संपत्ति का अधिकार। तो हमारे पास हैं 6 अधिकार। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि कौन से अधिकार में कहां से कहां तक अनुच्छेद है, वो कैसे याद हो, वो सबसे इजी टास्क है। देखिए, समता का अधिकार, ये है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक।
शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक, संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से लेकर के और 51 तक। अब आप कहेंगे आर्टिकल 31 कहाँ गया, तो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। अब इनको याद करने का तरीका, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा रुचिपूर्ण है, देखिए कैसे। समता का अधिकार मैंने कहा आर्टिकल 14 से 18 तक है, यानी इसमें 5 अनुच्छेद आ रहे हैं समता के अधिकार में। समानता, कौन सी समानता, सबसे पहले यह समझना है कि हमें समानता दी गई है, लेकिन कौन सी समानता, क्या ऐसी समानता हम मानते हैं कि बड़े को, बुजुर्ग को, अपंग को, एक गर्भवती महिला को, सबको एक बराबर लाइन पे खड़ा कर दो और फिर उन्हें कंपटीशन करने के लिए कहो, क्या ऐसी समानता को हमने अपनाया है? नहीं, ये है एब्सोल्यूट इक्वलिटी, और एब्सोल्यूट इक्वलिटी कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, वो एक नेगेटिव है, वो नकारात्मक है। कैसे? कभी भी कोई बुजुर्ग और युवा बराबर नहीं हो सकते, कभी भी एक अपंग और एक सामान्य पुरुष बराबर नहीं हो सकते। यानी हमें संविधान ने समानता का अधिकार तो दिया है, लेकिन वो समानता का अधिकार कैसा है? हमारे हाथ के जैसा। कैसे? हमारी पांचों, चारों उंगलियां और एक हमारा थंब, ये पांचों में से अगर कुछ भी मिसिंग हो तो कभी भी हमारे हाथ में वो ताकत नहीं हो सकती कि हम कुछ काम कर सकें। और यदि इन पांचों को बिल्कुल इक्वल बना दिया जाता तो हमारे हाथ की खूबसूरती खराब हो जाती। तो अपने हाथ को देखिए, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, और ये बात किसकी करते हैं? समानता की। यानी समानता कैसी? जिसमें कुछ कुछ विभेद हो, कुछ कुछ इनइक्वलिटी है, लेकिन वो इनइक्वलिटी कैसी है? जस्टिफाई करने वाली, न्यायपूर्ण इनइक्वलिटी है, जिसके जस्टिफाई किया जा सकता है। और यदि ये पांचों उंगलियां बिल्कुल बराबर होती तो हमारे हाथ की खूबसूरती खराब हो जाती, राइट? तो इनमें समानता है, इनको अगर बहुत लंबा, बहुत छोटा, किसी उंगली को, किसी को बहुत लंबा कर दिया जाता तो भी हमारी समानता खराब हो जाती। तो समानता का अधिकार हमें कैसे याद रहेगा? हमारे हाथ की पांच उंगलियों से, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि समानता कैसी होनी चाहिए, हमारे हाथ की खूबसूरती जैसी, जिसमें इक्वलिटी भी है और इनइक्वलिटी भी है, राइट? तो हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? चार उंगलियां, एक थंब, मिलाकर के 5, और हमारा समानता के जो अधिकार हैं उनमें अनुच्छेद कितने हैं? 5, 14, 15, 16, 17 और 18। अब आप कभी नहीं भूलोगे समानता का अधिकार, ठीक है? ये तो बात हो गई 14 से लेकर 18 तक की। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की, 19, 20, 21 और 22। ये चार अनुच्छेद दिए गए हैं स्वतंत्रता में। स्वतंत्रता में क्या है भाई? फ्री। हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, हम फ्री रहना चाहते हैं। आप बार बार क्या बोलते हो? मुझे फ्री छोड़ दो, मैं फ्री रहना चाहता हूं। अब देखिए, सिर्फ इस फ्री वर्ड को याद रखना है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। फ्री आपको क्या बता देगा? कि चार आपके पास स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद हैं संविधान में। संविधान में चार अनुच्छेदों में आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 और 22 में। तो हमारे दो अधिकार हमने पढ़ लिए हैं, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का, समानता या समता और स्वतंत्रता का अधिकार। अब आई होप आप कभी नहीं भूलोगे। अब देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। अब एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, समता दे दी, स्वतंत्रता दे दी, अब क्या चीज चाहिए इसके बाद? वैसे भी नहीं रटना है किसी चीज को, क्या कि समता के बाद शोषण आएगा या स्वतंत्रता के बाद शोषण आएगा? तो सबसे पहले देखिए, इक्वलिटी की बात हो रही है, उसके बाद कोई भी इंसान समता, समानता, इक्वलिटी के बाद क्या चाहता है? फ्री रहना चाहता है, उसे फ्री छोड़ दिया जाए, वो अपने आप से चीजें कर पाए। तो क्या दे दी है? स्वतंत्रता दे दी है। अब
कोई आपकी समता या स्वतंत्रता का शोषण ना कर ले, कोई आपका शोषण ना कर ले, आपको एक्सप्लॉइट ना कर ले, इसका अधिकार दिया गया 3 नंबर पे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? आर्टिकल 23 और 24, 2 अनुच्छेद हैं। एक्सप्लॉइट कोई कैसे करता है? जनरली हम क्या याद रखते हैं कि जो गन होती है ना, उससे कोई किसी का भी शोषण कर सकता है। जैसे अगर किसी ने आपको गन दिखा दी, हम कॉमन मैन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एक गुंडे ने दूसरे गुंडे को गन दिखा दी तो वो तो नहीं डरेंगे, उनका तो शोषण नहीं होगा, नहीं, हम एक कॉमन सिनेरियो देख रहे हैं। अगर आपको किसी ने गन दिखाई तो आपका क्या हो सकता है? शोषण हो सकता है। तो गन, किसी को भी गन पॉइंट आउट करते हो तो कैसे करते हो? ऐसे ही, राइट? और इसमें आपकी कितनी फिंगर आ रही है? 2। कभी भी गन को ऐसे तो नहीं दिखाते हो कि ऐसे गन दिखाता हूं मैं, तो ऐसे ही गन दिखाई जाती है, राइट? तो गन में कितने हैं? 2। तो 2 फिंगर्स किसको इंडिकेट कर रही है? शोषण को। और शोषण में कौन से आर्टिकल आ गए? आर्टिकल 23 और 24। आई होप आप नहीं भूलोगे, राइट? अब देखिए, हाँ ये थोड़ा सा फनी लग सकता है, लेकिन इसका पर्पज क्या है? पढ़ाने को सीधा भी बताया जा सकता था, समझाया जा सकता था, इजी लैंग्वेज बताई जा सकती थी, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता आपको। दूसरी चीज, बार बार कंफ्यूज हो जाते कि आर्टिकल 17 कौन सा था, 19 किस में था, 15 कहां आता है, 23 कहां आता है। अब नहीं भूलोगे कभी भी। अब देखो, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हमें हमारे संविधान ने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। अब देखिए, हम क्या कहते हैं हमेशा, 4 बड़े धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बार बार आप कभी बौद्ध, जैन, ये सारी चीजें नहीं जोड़ते हो। जो भी आप जुमले बोलते हो या 2 लाइन के क्योट कोड करते हो, उनमें भी क्या बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। यानी आपने खुद स्वीकारा है कि मेजर रिलीजन जो भारत में है वो कितने हैं? 4 हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो आपको जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं वो भी कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? 25, 26, 27 और 28। ये भी याद हो गया है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। अब देखिए, इनके अंदर क्या बातें लिखी गई हैं वो अभी एक्सप्लेन होनी बाकी हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो और चीजों को इसी क्लास में याद करके जाना है, ये पर्पज है हमारा, ये टारगेट चल रहा है आज का। चलिए अब बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब भाई, कल्चरल और एजुकेशनल राइट कौन कौन से हैं? आर्टिकल 29 और 30, यानी 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें हमें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जब शिक्षा में, जैसे नीट का एग्जाम क्लियर हुआ या कोई भी XYZ UPSC का एग्जाम क्लियर हुआ, SSC का एग्जाम क्लियर हुआ, आप किसी को भी देखते हो वो क्या बनाता है? विक्ट्री। आपको साइन क्या दिखाते हैं? न्यूज वाले या न्यूज़पेपर वाले या फोटो जो आप देखते हो वहां पे क्या साइन आता है? एजुकेशन के मामले में विक्ट्री शो करते हैं वो। तो एजुकेशन को आप विक्ट्री से याद रखोगे, और विक्ट्री में कितनी उंगलियां काम में आ रही हैं? 2। कभी विक्ट्री को ऐसे तो नहीं बनाते हो? 2। तो आर्टिकल 29 और 30 सॉरी, ये किस में आ गए हैं? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में। अब बचे हुए आर्टिकल्स आप डाल दो, 32 से लेकर 51 तक, संवैधानिक उपचारों का, सॉरी 32 से लेकर 35 तक, 32 से लेकर के 35 तक आपके आ गए हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये पूरा हो गया है आपका भाग 3। कैसे? समता का अधिकार आपको अपने हैंड से याद रखना है लाइक दिस, कि ये है हमारा समता का अधिकार, 14, 15, 16, 17 और 18। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, हम क्या होना चाहते हैं? फ्री, FREE, फ्री। 4 आर्टिकल हैं इसके अंदर, 19, 20, 21 और 22। उसके बाद क्या चाहिए? कि कोई हमारा शोषण ना कर ले। तो शोषण कैसे याद रखेंगे? किसी की गन से, कोई भी इंसान गन दिखा के शोषण कर सकता है हमारा। तो आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए आपको अनुच्छेद दिए गए हैं। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, वो हम क्या याद रखते हैं? मेजर 4 रिलीजन हैं, क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई।
तो चार आर्टिकल कौन कौन से, 25, 26, 27 और 28, ये क्या देते हैं आपको, राइट टू रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये क्या है, आप शिक्षा को विक्ट्री से शो करते हो, और ये कहां से कहां तक आएगा, 29 और 30, दो आर्टिकल विक्ट्री से दो ही चीजें शो हो रही हैं, तो 29 और 30। और उसके बाद 31 को क्या कर दिया है, निरसित कर दिया है, और आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक क्या आ गए हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो उनका उपचार कैसे किया जा सकता है, वो कहां पे बताया गया है, आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक में। चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं कि आखिर आर्टिकल 14 बात क्या कर रहा है। आर्टिकल 12 और 13 को हमने देख लिया, आर्टिकल 14 से ही हमारे क्या शुरू हो रहे हैं, मूल अधिकार जो हमें संविधान ने दिए हैं। देखिए आर्टिकल 14 बात करता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्विटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्विटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, ये थोड़ा सा नेगेटिव थॉट है, कैसे, ये कह रहा है कानून के सामने सब बराबर है, जैसे किसी अपंग से, गलती से, बाय चांस, अपंग नहीं हम दिव्यांग कहेंगे, किसी दिव्यांग से बाय चांस कोई क्राइम हो गया, इंटेंशनली नहीं, बाय चांस हो गया और वो क्राइम में कंसीडर किया जा रहा है, एक सामान्य व्यक्ति है उससे क्राइम हो गया और वो भी बाय चांस हुआ है, इंटेंशनली नहीं हुआ है, तो क्या दोनों को बराबर की सजा होनी चाहिए, क्या दोनों को इक्वल रखा जा सकता है, या फिर इससे अच्छा एग्जाम्पल एक देखते हैं, बचपन में सभी ने क्रिकेट खेला होगा, राइट, हम बात कर रहे हैं विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सब बराबर है, इस बात की, नियम कानून सभी के सामने हर कोई व्यक्ति बराबर है, इसको ये एग्जाम्पल से हम समझना चाह रहे हैं कि बचपन में सभी ने क्रिकेट खेला होगा, अब उसमें क्या होता था, बड़ा भाई छोटे भाई को कहता था तू दो बार आउट होगा तब मैं एक बार काउंट करूंगा, मैं एक बार आउट हुआ आउट मान लूंगा, तू 10 बॉल खेलेगा मैं 5 बॉल खेलूंगा, वो क्या कर रहा है, वो इक्वलिटी ला रहा है, कैसे, कि बड़े भाई और छोटे भाई में मान लेते 5-7 साल का गैप है, अब उस गैप को गेम में मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस बराबर तो नहीं आ सकती, तो उन्होंने नियमों में क्या कर दिया है, इनइक्वलिटी ले आए हैं, इनइक्वलिटी आ गई है ना भाई, एक 5 बॉल खेल रहा है, एक 10 बॉल खेल रहा है, एक 2 बार आउट होने को एक बार काउंट कर रहा है, दूसरा एक बार आउट होते ही आउट मान रहा है, नियमों को क्या कर दिया है, इक्वल, सॉरी इनइक्वलिटी ला करके उन्होंने क्या शो किया है, समानता, समता, तो ऐसी समता कहां हो सकती है, विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष क्षमता, और समता हम कैसी चाहते हैं आर्टिकल 14 के तहत, जो सब लोगों के लिए बराबर तो हो लेकिन फिर भी उसमें ध्यान रखा जाए, किस चीज का, आपकी फिजिकल फिटनेस का, ठीक है, आपके अपंग या दिव्यांग होने का, आपके गर्भवती होने का, आपके बुजुर्ग होने का, आपके वयस्क होने का, आपके बच्चे होने का, हर चीज का ख्याल रखा जाए, यानी कानून के सामने बिल्कुल सब बराबर हैं लेकिन फिर भी क्या दी जा रही है, सहूलियत दी जा रही है, थोड़ा सा लिबरल हुआ जा रहा है, तो ऐसी समता हमने अपनाई है। आर्टिकल 14 क्या बात करता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14। अब आ जाइए आर्टिकल 15, ये सारी बात चलेगी 14, 15, 16, 17, 18, इन पांचों अनुच्छेद में हम बात करेंगे समता की, समानता की, इक्वलिटी की। अब देखिए आर्टिकल 15 कहता है राज्य, इसीलिए आर्टिकल 12 में राज्य को पहले ही डिफाइन कर दिया। देखिए राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहां पे 5 चीजें दी गई हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, और ये 5ों आपको याद होनी चाहिए ठीक इसी सीक्वेंस में, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला बहुत बार एग्जामिनर अगर आपको उलझाना चाहेगा तो वो ये पूछ सकता है कि आर्टिकल 15 में कौन कौन से आधारों पे समानता की बात की गई है, तो आर्टिकल 15 में ये 5 आधार लिए गए हैं और क्या कहा गया है कि राज्य इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा,
यानी सब व्यक्तियों को समान समझा जाएगा। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई निम्न जाति से है, कोई उच्च जाति से है, किसी का मूल वंश क्या है, किसी का धर्म क्या है, इस आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, या फिर किसी का जन्म कहाँ हुआ है इस आधार पर भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति के साथ। अच्छा, भेदभाव कहाँ नहीं किया जाएगा? सार्वजनिक स्थानों पर। अब देखिए, शुरू में ही मैंने कहा था, बार बार आप ये सोचने की कोशिश करो कि संविधान सभा के लोगों के सामने उस समय की क्या परिस्थितियां थी। भारत ठीक आजाद हुआ है 1947 में और संविधान सभा अपना काम कर रही है 9 दिसंबर 1946 से। उस समय की थोड़ी सी स्थिति को विजुअलाइज करोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि भेदभाव के बाद तुरंत वापस क्यों ये बात लिखी गई है 15(2) में कि सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि उस समय जाति प्रथा इतनी हावी थी सब लोगों के दिमाग पे कि बहुत सारी निम्न जातियों के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। और अब क्योंकि हम आजाद हुए हैं, हम डेमोक्रेसी को एडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, राइट टू इक्वलिटी की बात की है, तो इसीलिए ये क्लोज जोड़ा गया है, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। और एग्जामिनर हमेशा कुछ ऐसा ही पूछना चाहता है जिससे आपकी समझ का पता चले कि आपने क्या सारी चीजें सतही रटी हैं या सच में कुछ समझा भी है। भावनाओं को भी जाना है कि आखिर संविधान को इतना प्यारा, इतना खूबसूरत और इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारा, तो आखिर क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट उसे जान भी रहे हैं कि आखिर उसमें क्या लिखा गया है। तो देखिए, इसीलिए इसकी थोड़ी सी खूबसूरती को पहचानोगे तो पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा कि वाह क्या मूल अधिकार दे दी है, बताओ। कुछ इस तरीके से याद करो इनको, यूं नहीं बर्डन समझ के पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, याद नहीं हो रहा, मुझे तो पॉलिटी उठाने का मन नहीं करता, नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो। देखो, संविधान निर्माताओं ने पहले 15(1) में कह दिया कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, 15(2) में तुरंत कहा सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा, 3 में क्या कहा, राज्य स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यहाँ पे वही बात आ गई कि बड़ा भाई कम बोल खेलेगा, छोटा भाई ज्यादा बोल खेलेगा। क्यों? क्योंकि हमें समानता लानी है और वो समानता लाने के लिए कहीं ना कहीं नियमों को क्या करना पड़ेगा, लिबरल करना पड़ेगा। नियमों में आपको क्या दिखेगी, इनइक्वलिटी दिखेगी। जैसे आप कह सकते हो कि भाई जब समानता की बात चल रही है तो स्त्रियों और बच्चों को क्यों अलग से विशेष प्रावधान दिए जा रहे हैं, इक्वलिटी लाने के लिए। ठीक है, हो सकता है आपकी दिमाग की सीमाओं का आज थोड़ा सा उल्लंघन हो जाए, लेकिन अपना दायरा बढ़ाइए सोचने का। चलिए, 15(4) बात कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SC/ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, क्योंकि ये वो वर्ग थे जो आजादी से पहले तक बहुत शोषित थे, इनका बहुत शोषण हुआ था सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर तरह से इनका फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से टॉर्चर हुए थे। तो अब इन्हें हमें समानता देने के लिए क्या करना पड़ेगा, विशेष अधिकार देने पड़ेंगे। तो हमने इनको क्या दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। तो जो लोग आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हैं उन्हें एक बार थोड़ा सा 2 मिनट रुक के सोचने की आवश्यकता है। चलिए, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SC/ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(1) में हमने बात कर दी कि 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। दूसरी बात हमने कर दी 15(2) में, क्योंकि बहुत बार 15(3) सीधा देकर पूछ सकता है, तो 15(2) में हमने कहा सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं 15(3) में कि स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो कमजोर वर्ग है, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है, तो अब समानता लानी है तो उनको विशेषाधिकार दे दो। 15(4) क्या कहता है, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब देखिए, 15(5) कहता है उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था, ये बाद में जोड़ा गया है। 15(5) जो है वो बाद में जोड़ा गया है। क्यों? संविधान संशोधन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं की गई थी। एम्स हो गया या IIM हो गया,
इनमें कोई आरक्षण नहीं होता था। तो अब लगा कि भाई एससी एसटी वाले लोगों को वहां तक भी तो पहुंचाना है हमें कि वो एम्स में जाके डॉक्टर बने, वो आईआईएम से एमबीए करें। तो इसीलिए 15-5 में क्या किया गया, उच्च शिक्षण संस्थानों में भी एससी एसटी को आरक्षण की व्यवस्था की गई। चलिए 15 क्लियर हो गया है। अब देखिए आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 समानता की ही बात चलेगी। आर्टिकल 16 कहता है, अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, 15 में हमने शिक्षा दे दी है और शिक्षा की बात कर दी है, शिक्षा के बाद क्या आता है भाई, आप क्यों पढ़ लिख रहे हो, नौकरी के लिए। तो जैसे ये याद रह जाएगा कि 15 में हमने शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया था, तो अब आरक्षण की किस में बात आ जाएगी, नौकरी के अंदर। और जैसे ही शिक्षा प्राप्त की, अब क्या चाहिए, नौकरी। तो 16 सीधे सीधे किसकी बात करेगा, नौकरी की। तो 15 याद रह जाएगा, 16 ऑटोमेटिक याद रहेगा। 16 याद रह गया कि नौकरी, तो नौकरी कब मिलती है, जब शिक्षा मिल जाती है। तो ठीक पीछे क्या मिलेगा 15 में, शिक्षा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो तो चीजें बहुत आसान लगेंगी। आर्टिकल 16 लोक नियोजन, लोक नियोजन का सीधा सीधा मतलब या नौकरी है, सरकारी नौकरी। लोक नियोजन में अवसर की समानता, 15-1 में क्या कहा था, 5 आधारों पे कोई भेदभाव नहीं, सब लोग समान है। यहाँ पे क्या कह दिया, सरकारी नौकरी में सब बराबर हैं, उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो सबके लिए बराबर चाहिए। फिर 16-2 में क्या बात करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। और अब आधार आ गए हैं 7, वहां पे आधार कितने थे, 5, और अब आधार कितने हैं, 7। वो 5ों भी याद करने हैं और ये 7ों भी याद करने हैं। 5 तो सेम ही है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 तो आ गए हैं सेम। और अब क्या रहा, उद्भव और निवास स्थान, उद्भव और निवास स्थान, इनके आधार पे क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये 7 आधार आर्टिकल 16 के लिए आपको याद होने चाहिए। अब देखिए 16-3 क्या कहता है कि निवास स्थान के आधार पर नौकरी में आरक्षण, इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी, निवास स्थान के आधार पर क्यों नौकरी में आरक्षण दिया गया। देखिए कोई एरिया पहाड़ी है, कोई मैदानी है, सबके लिए जीवन जीने के लिए स्थितियां सामान्य नहीं हैं। तो इसीलिए निवास स्थान के आधार पर, कि अगर कोई ऐसी जगह रह रहा है जहां पे परिस्थितियां अनुकूल नहीं है जीवन जीने के, फिर भी वो उस एरिया में रह रहा है, तो उसे क्या देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। इसीलिए क्या दिया गया, निवास स्थान के आधार पर नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 16-4, ये 16 का 4 चल रहा है। देखिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण, अब ये क्या चीज है समझिए। मान लेते हैं 100 जनसंख्या है हमारी, पॉपुलेशन 100 है, इसमें से 10% लोग मान लेते हैं एससी के हैं, और जब सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो ये 0.1% ही एससी के बच्चे नौकरी लगते हैं, यानी जनसंख्या में इनका अनुपात है 10%, नौकरी में इनका अनुपात है 0.1%। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो गया इनका सरकारी नौकरियों में। तो ऐसे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर किसकी व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है। इसीलिए काका कालेलकर और मंडल आयोग जैसे कमीशन की व्यवस्था की गई थी, मंडल आयोग बनाया गया था कि वो ये पता करें कि आखिर कौन से वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व चल रहा है। देखिए अभी ये जो क्लास आज अपनी चल रही है आर्टिकल 1 से 51 तक को याद करने की, इसमें हम एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में फॉर्म कर रहे हैं। और वो कैसा स्ट्रक्चर है, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे बच्चे को सबसे पहले A4 एप्पल पढ़ाया जाता है, हम कभी उसे नहीं कहते A4 एवोकाडो भी होता है, A4 कुछ और वर्ड भी होता है, कभी उसे A के सिनोनिम सारे एक साथ नहीं बताते हैं, नहीं बताते। क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सबसे पहले इसको एक वर्ड याद हो जाना चाहिए, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, वो एप्पल को देखते ही बता पाए कि हाँ ये A4 एप्पल है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी क्लासेस बढ़ती जाती हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं आते आते वो सहज हो जाता है, उसे पता है कि ए से और भी स्पेलिंग हो सकती है, राइट, तब उसे बाकी स्पेलिंग्स भी बताई जाती हैं।
ठीक उसी तरह आज की क्लास में हमारा काम है कि हम मोटा मोटी तौर पे हर अनुच्छेद में क्या लिखा गया है उस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये समानता के अधिकार की क्लास चल रही होती पूरी, जिसमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे समानता के अधिकार में पांचों अनुच्छेदों को समझाने में, उनमें क्या क्या संविधान संशोधन हुए हैं, उनके लिए क्या क्या आयोग बनाए गए हैं, ये सारा डिटेल में पढ़ाने के लिए। लेकिन डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, जब हमारे पास एक खाका, एक स्ट्रक्चर, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है, कम से कम पहले ये तो पता हो कि आर्टिकल 16(4) क्या कहता है, या उससे पहले ये बता दिया जाए कि इसको इसमें संविधान संशोधन कब किया गया, कौन कौन सा कर दिया गया है, वो आपको एक उलझन पैदा कर देंगे। तो इसीलिए आज हम मोटा मोटी तौर पे सारे अनुच्छेदों का एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में फॉर्म करके जाएंगे। इसके बाद हम फिर से आर्टिकल सारे डिस्कस करेंगे, स्पेशली भाग 3 और भाग 4 को, क्योंकि भाग 3 वो भाग है जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसकी समझ आपको डिटेल में होनी ही चाहिए, ठीक है, उस पे गहन अध्ययन होना ही चाहिए। तो इसीलिए तो मैंने बता दिया है कि इस पे मंडल आयोग जैसे बैठाया गया था, उससे पहले काका कालेलकर आयोग बैठाया गया था कि ये पता करो आखिर कौन कौन से वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। चलिए, लेकिन आज हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन है, बहुत सारे न्यायपालिका के और सरकार के झगड़े हैं मूल अधिकारों को लेकर के। आपको पता है आजादी के बाद से ही लेकर जब संविधान लागू हो गया 1950 से, उसके तुरंत बाद से मूल अधिकारों को लेकर के झगड़े शुरू हुए थे, और उन झगड़ों की समझ तभी बन सकती है, उन सारे जितने भी आप बनाम भारत केस देखते हो, उन सारों की समझ तभी बन सकती है जब आपको मूल ढांचा पता हो। तो ये मूल ढांचा हमें याद करना है आज की ही क्लास में। चलिए, 16(4) हो गया अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था, 4A कहता है पदोन्नति में आरक्षण, और 4B कहता है कैरी फॉरवर्ड नियम। अब थोड़ा सा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नियम को समझ लो कि आखिर ये क्या होता है। जैसे 100 नौकरियां निकली, मान लेते हैं SSC में 100 नौकरी निकली, इन 100 में से 25 नौकरी SC वर्ग के लिए थी, और इनमें से उस साल मात्र 20 ही भरी गई, और अब क्या 5 सीट वैकेंट रह गई, 5 सीट क्या रह गई हैं, वैकेंट रह गई हैं। तो अगली भर्ती जब आएगी, जैसे अगली भर्ती भी 100 की आई, फिर से 25 नौकरी आरक्षित थी SC के लिए, अब क्या होगा, ये पीछे वाली नौकरी इसमें जुड़ जाएगी, और ये कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। तो ये क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड का नियम, ठीक है, जो नौकरियां जो भर्तियां रह गई हैं बिना भरे हुए, उन्हें अगले साल हम जोड़ेंगे। चलिए, आर्टिकल 16 तक हो गया है, और 16 में 16(5) एक आर्टिकल और देख लो, 16(5) भी है। 16(5) क्या कहता है, यहां मेंशन नहीं है, 16(5) ये कहता है कि धार्मिक संस्थाओं को संभालने का, प्रबंधन करने का, या उनमें जैसे मंदिर है तो उसमें पुजारी कौन बनेगा, इसके लिए राज्य कभी भी किसी को बाउंड नहीं कर सकता है। यानी राज्य ये नहीं कह सकता कि मंदिर के अंदर पुजारियों में SC वालों को आप वहां पे बैठाओ पुजारी के रूप में, ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व समान रह सके, राज्य ऐसा नहीं कर सकता। क्यों, यहां पे आर्टिकल 26 हावी हो गया है, किस पे, आर्टिकल 16(5) पे, आर्टिकल 26 बड़ा बन गया है आर्टिकल 16(5) पे, और आर्टिकल 26 यही कहता है कि आपको अपने धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी जाती है। तो यहाँ पे राज्य ये नहीं कह सकता कि मौलवी SC या ST से होना चाहिए ताकि उनका प्रतिनिधित्व अच्छा हो सके, समानता आ सके, नहीं। तो यहाँ पे 16(5) पे हावी है कौन, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 को डिस्कस करते टाइम ये बात फिर हमारी रिपीट हो जाएगी। अब देखिए 16(6) भी है, 16(6) क्या बात करता है कि भाई कोई ऐसा वर्ग है जिसका शोषण तो नहीं हुआ था। 16(6) कहता है एक ऐसा वर्ग जिसका किसी भी तरीके से भूतकाल में कोई भी तरीके का शोषण नहीं हुआ, लेकिन वो वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इसलिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को,
वो उच्च वर्ग का हो लेकिन वो आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तो उसे किस में डाल दिया गया है? 16(6) के तहत 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, और ये किस में है? आर्टिकल 16(6) में। अब आ जाते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, सीधा डायरेक्ट एक ही लाइन का सीधा याद रहेगा। आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता का अंत। अब फिर से देखो ऐसी चीजें संविधान निर्माताओं ने क्यों अनुच्छेदों में डाली होंगी, क्यों उन्हें इस चीज की जरूरत महसूस हुई होगी कि भाई इस चीज को भी हम समानता के अधिकार के तहत देना चाह रहे हैं, और क्यों आर्टिकल 17 को लाया गया? क्योंकि अनटचेबिलिटी किस कदर हावी थी ये आपको अच्छे से अंदाजा है। एससी एसटी वर्ग के लोगों को स्वर्ण जातियां उच्च जातियां देखना तक पसंद नहीं करती थी, अगर वो छू लेते तो उन्हें खुद का शुद्धिकरण करना पड़ता था। तो ये चीजें हम हमारे लोकतांत्रिक देश में तो आजादी के बाद नहीं चाहते थे, तो हम क्या लाए हैं? आर्टिकल 17। संविधान ने क्या कहा? अस्पृश्यता का अंत करो। अस्पृश्यता का अंत कोई निजी संस्था हो या सार्वजनिक संस्था हो या राज्य हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी आधार पे अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दे सकता है, ठीक है? तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17। आर्टिकल 18, क्योंकि हम बात कर रहे हैं समानता की, हमने विधि के समक्ष समानता दे दी आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में हमने कहा सार्वजनिक स्थानों पे सब बराबर हैं, कोई राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 15(3) में कह दिया स्त्रियों को और बच्चों को विशेष अधिकार है। 15(4) में कह दिया एससी एसटी को भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है राज्य, ठीक है, क्योंकि उनको पर्याप्त उनका कभी भी भूतकाल में शोषण ही चलता रहा था। आर्टिकल 16 सीधे सीधे बात करता है नौकरियों में आरक्षण की, लोक नियोजन में, सबसे पहले का लोक नियोजन में सब बराबर हैं, फिर उसके बाद युक्त युक्त आधार पे आरक्षण की व्यवस्था कर दी। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करो ताकि समानता आ सके समाज में। फिर आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करो। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में दिया गया है, क्यों ऐसी व्यवस्था की गई? क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत उपाधियां दी कुछ भारतीयों को, कुछ एलीट क्लास लोगों को उपाधियां दी, किसी को नाइटहुड की उपाधि दे दी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दे देते थे वो किसी को, तो उससे क्या होता था, एक तबका ऐसा जो उपाधि वाला है, एक तबका ऐसा जिसके पास उपाधियां नहीं है, और वो कहीं ना कहीं एक शोषण का काम करती थी, तो इसीलिए उपाधियों का अंत किया गया। हालांकि सेना में शिक्षा में डॉक्टरेट की, सेना में इनका मनोबल बढ़ाते रहने के लिए उपाधियां दी जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 19 पे, सबसे प्यारा आर्टिकल, और हम आ चुके हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। हमने हर तरीके की समता दे दी है और हम देश और समाज में समानता ले आए हैं 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल में, ठीक है। अब हम होना चाहते हैं फ्री, और हमारे पास फ्री होने के लिए अनुच्छेद कितने हैं? 4, 19, 20, 21 और 22। चलिए आर्टिकल 19 क्या कहता है? 19 एक ऐसा आर्टिकल है जो एक दूसरे से पूरी तरीके से लिंक है आपस में, सिर्फ एक को ध्यान रखना है बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? 19(1)(a) ये बात करता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं आपको सबसे पहले कौन सी स्वतंत्रता चाहिए, आप बोलोगे बोलने की, सबसे पहले बोलने की, खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। बोलोगे कहां पे? किसी शांतिपूर्ण सम्मेलन में, या शांतिपूर्ण हटाओ ये याद रखो, किसी सम्मेलन में ही तो बोलोगे भाई। घर पे तो आपको मिली हुई है स्वतंत्रता, आप बोलिए दहाड़िए चिल्लाइए कोई बात नहीं, बात तो चल रही है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहां मिले आपको? किसी सम्मेलन में, यानी पब्लिक प्लेस पे अगर कोई सम्मेलन चल रहा है उसको आप एड्रेस कर पाओ, बोल पाओ। ऐसा भी आर्टिकल क्यों डाला? क्योंकि जब भारत कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो हमें सम्मेलन करने तक की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। आप याद करिए जलियांवाला बाग हत्याकांड को, जिसमें सब लोग वैसाखी के दिन इकट्ठा ही हुए थे और उन पे गोलियां बरसा दी गई। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्या किया है? उदार किया है, लिबरल किया है। तो हमें स्वतंत्रता दी है सबसे पहले बोलने की,
बोलेंगे कहां? सम्मेलन के अंदर। सम्मेलन कब हो सकता है? जब कोई संघ हो। अगर कोई संघ ही नहीं है, आपका कोई पर्टिकुलर कमेटी नहीं है, तो उसका सम्मेलन कैसे होगा? कोई यूनियन, कोई कमेटी कुछ होना चाहिए आपके पास, तो आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अच्छा, संघ बना लिया, अब क्या उस संघ में ही आप दिन रात रहोगे? नहीं, उस संघ में कहीं से आएंगे जाएंगे। तो क्या दे दिए? आने जाने की स्वतंत्रता। अब देखिए, आओगे जाओगे कहां से? खुद के घर से। तो घर बनाने की, निवास करने की स्वतंत्रता दे दी है। अब देखिए, ये सारे काम कब पॉसिबल हैं? जब आपके पास रुपया पैसा है। क्योंकि बिना रुपए के ना आप घर बना सकते हो, ना कहीं आ जा सकते हो, ना संघ बना सकते हो, ना उसमें सम्मेलन कर सकते हो, फिर बोलने की स्वतंत्रता का आप करोगे ही क्या? तो देखिए, इसीलिए 19(1)(g) बात करता है व्यापार और कारोबार करने की, यानी पैसा कमाने की, व्यवसाय करने की आपको स्वतंत्रता देता है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमें चाहिए बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति में कार्टून भी आ सकते हैं, चुप रहकर, मौन रहकर, सांकेतिक भाषा का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्ति कर सकते हैं खुद की, कार्टून बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे किस में आएगा? प्रेस की स्वतंत्रता भी किस में आएगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। प्रेस को आजादी मिली हुई है 19(1)(a) के तहत। तो सबसे पहले हमें चाहिए बोलने की स्वतंत्रता, उसके बाद हम बोलेंगे कहां? किसी सम्मेलन में। तो याद रखिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन में बोलने की स्वतंत्रता है आपको। अब वो सम्मेलन आयोजित कैसे होगा? जब हमारे पास कोई संघ होगा, तो हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एनी टाइम 24/7 संघ में ही रहते हैं, कि हमें कहीं से कहीं आना जाना नहीं पड़ता। तो हमें क्या होना चाहिए? आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आओगे जाओगे कहां से? अपने घर से। तो घर बनाने की, निवास करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो दी गई है। और लास्ट में, इन सब कामों के लिए चाहिए पैसा, तो हमें व्यापार करने, कारोबार करने, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। और ये खत्म हो गया आर्टिकल 19(1)(a) से लेकर जी तक। और आप इसे काउंट करोगे, ये सीधे सीधे 6 आर्टिकल बन जाएंगे, 19(1)(a), 19(1)(b), 1(c), 1(d), 1(e) और 1(g). ठीक है, आप इसे ख ग घ ड से भी इंगित कर सकते हैं। अब देखिए, क्या सिर्फ स्वतंत्रता ही मिलनी चाहिए? नहीं, उस पे युक्त प्रतिबंध भी लगेंगे। ठीक है, यानी 19(2) क्या कहता है? अब इनके आगे ही लिख लीजिए, 19(2) कहता है बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे रोक लगाई जा सकती है। अगर आप देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, अगर आप हिंसा को भड़काने वाले जैसा भाषण दे रहे हो, अगर आप लोगों को उग्र बना रहे हो, तो बिल्कुल आप पे क्या लग सकता है? प्रतिबंध लग सकता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध 19(2) में, शांतिपूर्ण सम्मेलन पे प्रतिबंध 19(3) में, संघ बनाने पे प्रतिबंध 19(4) में, आने जाने और निवास करने पे प्रतिबंध 19(5) में, और व्यापार करने पे प्रतिबंध 19(6) में। अब बताइए, कितना आसान था? अगर सिर्फ एक आपको याद रह जाता है, सीक्वेंस जनरेट हो गया और प्रतिबंध भी युक्त लग गए हैं, तो 19(6) तक हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, आर्टिकल 20 बात कर रहा है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, क्योंकि हम आपको फ्री छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप पे कोई दोष, कोई आरोप लग गया है, तो उसके खिलाफ भी तो आपको कुछ फ्रीडम होनी चाहिए। तो 3 फ्रीडम दी गई हैं। क्या क्या है भाई फ्रीडम? क्या है ये? आपको कुछ सहूलियत दी गई है। क्या? जिस समय कानून का उल्लंघन हुआ, उसी समय का कानून लागू होगा। जैसे 2021 में अगर आपने अप्रैल में कोई नियम तोड़ा है, तो अभी तक जो कानून, जो सजा आपके लिए थी, वही आपको दी जाएगी, ना कि अगले महीने कोई नया नियम कानून बना करके उसके तहत आपको सजा दे दी जाएगी। जिस समय कानून तोड़ा है, उसी समय का नियम आप पे क्या होगा? लागू होगा। तो जिस समय कानून का उल्लंघन हुआ, उसी समय का कानून, उसी के तहत आपको क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी।
यानी आपके साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकता कि बाद में कोई कठोर नियम कानून बना करके आपको सजा दे दी जाए, नहीं। दूसरा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। जैसे आपने कोई भी क्राइम कर दिया, या किसी एक्स, आपने क्यों किया, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, किसी एक्स पर्सन ने कोई क्राइम कर दिया, अब मान लेते हैं किसी का नाम नहीं लिखेंगे, ये एक्स पर्सन है, ये वाई है, एक्स पर्सन ने कोई क्राइम किया और इससे नुकसान हो गया वाई पर्सन को, अब वाई पर्सन सबसे पहले जाएगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने एक्स पर्सन को सजा दे दी है उस काम के लिए। अब वाई पर्सन को लग रहा है नहीं 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 नहीं, मेरा तो घाटा बहुत ज्यादा हो गया, इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, उसकी तो भरपाई हो ही नहीं सकती, एक बार अपराध किया तो क्या हुआ, अब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। अब दोष सिद्ध करना तो आसान है क्योंकि हाई कोर्ट में ही कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में फिर से दोष सिद्ध हो जाएगा, फिर से इसको सजा दिलवाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक्स व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो उसे एक ही बार उस क्राइम की सजा मिलेगी, बार बार नहीं, ठीक है। अदरवाइज तो कुछ लोग तो किसी किसी को जेल में ही रखें फिर, कि एक बार सजा मिल गई वापस दिलवा दो। चलिए तीसरा क्या है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता आपको। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्री होने की, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की, तो आपके पास ये स्वतंत्रता है आर्टिकल 20 में कि खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दोगे तो आपको कोई फोर्सफुली नहीं करवा सकता, यानी खुद के खिलाफ ही गवाही देने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। इसीलिए जब तक कोई ऐसा मामला ना हो जिसमें देशद्रोह का मामला हो, अगर वहां तक का मामला नहीं है, उतना संगीन मामला नहीं है, तब तक कोई भी आपका नार्को टेस्ट नहीं करवा सकता। कोई छोटे मोटे क्राइम के लिए आपका नार्को टेस्ट नहीं करवाया जा सकता, या ये जो ट्रूथ लाई टेस्ट डिटेक्टर जो होते हैं, इनके तहत आपको खुद के ही विरुद्ध गवाही नहीं दिलवाई जा सकती। हाँ, यदि मामला बहुत संगीन है, यदि मामला देश के रक्षा का है, तो ऐसा किया जा सकता है। चलिए, ये हो गया आर्टिकल 20 कंप्लीट। अब देखिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है प्राण और देहिक स्वतंत्रता, और सच में ये अपने आप में इतना बड़ा अनुच्छेद है, क्योंकि संविधान लागू होने से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इतनी बार व्याख्याएं की हैं, इसको आधार बनाकर, प्राण और देहिक स्वतंत्रता, लाइफ विद डिग्निटी, इसको आधार बनाकर इतनी बार व्याख्याएं की हैं इस अनुच्छेद की, कि अनुच्छेद अपने आप में बहुत बड़ा हो गया है। आर्टिकल 21 आपको सीधे याद होना चाहिए, इसी के तहत आपको शुद्ध हवा में सांस लेने का अधिकार है, इसी के तहत आपको स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण का अधिकार है, आप जहां बैठ के पढ़ो वहां पे आपको कोई शोरगुल ना महसूस हो, ऐसी भी आपको गरिमा बनाए रखने का अधिकार है। हर तरीके का अधिकार आपको कहां दिया जाता है, लाइफ विद डिग्निटी में, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंदर सबसे फेमस मामला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला, लेकिन वो हम कब पढ़ेंगे डिटेल में इस आर्टिकल को, जब हम समता के अधिकार को पूरा गहराई से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए क्या याद रखना है, आर्टिकल 21 लाइफ विद डिग्निटी, प्राण और देहिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमें। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब इसमें क्या फ्रीडम दी है आपको, इसमें यह फ्रीडम दी है कि अगर आपको गिरफ्तार करने पुलिस आ गई है तो उसे पहले कारण बताना पड़ेगा कि वो आपको क्यों गिरफ्तार करने आई है, क्योंकि आपके पास क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और आर्टिकल 22 के तहत ही आप पूछ सकते हो कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, बशर्ते टाडा और पोटा, इनके तहत आपको गिरफ्तार ना किया जा रहा हो, तो आप पूछ सकते हो कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद आप अपने वकील से परामर्श कर सकते हो, ये अधिकार भी आपको दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर 24 घंटे में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे जज के सामने पेश करना पड़ेगा, ये पुलिस का काम है कि वो 24 घंटे में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को जज के सामने पेश करे, और ऐसा अधिकार आपको कहां दिया गया है, आर्टिकल 22 के तहत। लेकिन जो विदेशी नागरिक है या बहुत संगीन भारत के खिलाफ, हमारी राष्ट्र सुरक्षा के खिलाफ कोई अपराध हुआ है, तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। कौन से, जो फर्स्ट और सेकंड बताए हैं, 22 एक और दो।
आर्टिकल 23 बहुत इजी सा, छोटा सा, अच्छा सा अधिकार है, और क्योंकि अब हम कहां पहुंच गए हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद करो, किसी को गन दिखा करके डराना, ठीक है, तो शोषण आपका कोई ना कर ले तो। और वैसे भी शोषण होता किसका है, जो कमजोर तबका है, जो कमजोर है उन्हीं का शोषण किया जा सकता है, क्योंकि जो बलवान है, जो उच्च है, उसका तो शोषण किया ही नहीं जा सकता। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24, और शोषण किसका हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, महिलाओं का हो सकता है। तो हमने क्या डाला, बेगार प्रथा नहीं करवाई जा सकती, मानव दुर्व्यापार निषेध है, यानी मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, बेचा खरीदा नहीं जा सकता। क्यों ऐसा आर्टिकल डालना पड़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार में, क्योंकि बेगार प्रथा, क्या अंग्रेजों ने, क्या हमारे राजाओं ने, क्या एलीट क्लास ने, क्या उच्च स्वर्ण जातियों ने, सभी ने क्या किया, बेगार प्रथा को बढ़ावा दिया। बेगार प्रथा, पहले बाप नौकर है, फिर बेटा नौकर है, फिर उसका बेटा भी नौकर ही रहेगा, तो ये सब क्या है, ये प्रथा चली आ रही है कि फ्री फोकट में मजदूरी करवाने की, दो टाइम का खाना दे दिया, पूरे दिन काम करवाया। कोई ऐसा नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता, तो ये कहां दिया, बेगार प्रथा, मानव दुर्व्यापार। पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के जमाने में लोगों को खरीद के लाया जाता था, गुलाम वंश की स्थापना मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो कि किस तरीके से बलबन तक को खरीदा गया था, इल्तुतमिस भी खरीदा हुआ गुलाम था। तो आप देख सकते हो इन चीजों को कि पहले मानव व्यापार कितना ज्यादा चलता था। तो हमने हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से बता दिया कि बेगार प्रथा, मानव दुर्व्यापार निषेध है, नहीं कर सकते आप। आर्टिकल 24, बाल श्रम प्रतिषेध, बच्चों से आप श्रम नहीं करवा सकते, क्योंकि अब देखिए, शोषण बच्चों का हो सकता है, महिलाओं का हो सकता है, और निचली जातियों का, जो दबा कुचला वर्ग है, उसका हो सकता है। तो यहां पे हमने उनको सेफ कर दिया, और इसमें हमने कहा बाल श्रम प्रतिषेध है, बच्चों से काम नहीं करवा सकते आप, ठीक है, चलिए। लेकिन देखिए, आर्टिकल है तो सही, अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध 24 है तो सही, लेकिन आज भी किसी भी रोड साइड ढाबे पे आप क्या देखते हो कि वही 8-10 साल का, 7-8 साल का बच्चा कप धो रहा है। तो देखिए, उसके पास भी ये अधिकार है, बशर्ते, तभी मैंने कहा कि एक जागरूक नागरिक होने की भूमिका आप निभा सकते हो, लेकिन कब, जब आपको खुद को तो पता हो कि हमें क्या मूल अधिकार मिले हुए हैं, हमारे राज्य का क्या कर्तव्य है, हम किस तरह से नागरिक हैं हमारे देश के, हमारे देश का एरिया क्या है, कम से कम ज्यादा नहीं तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 के, इतना तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। भले ही उसे ये सीधा याद ना हो कि आर्टिकल 28 में ये बात है, या 27 में है, या 25 में है, लेकिन कम से कम उसे अपने अधिकारों से तो जागरूक रहे वो इंसान। तो आप क्या कर सकते हो, आप तुरंत उसके मालिक की कंप्लेन कर सकते हो कि ये क्या कर रहा है, बाल श्रम करवा रहा है। लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई मूल अधिकार है क्या, राइट। चलिए, और जिनको पता है वो सोचते हैं हमें क्या लेना देना, और फिर हमें क्या चाहिए, देश आगे बढ़े, हमें बहुत स्वच्छ वातावरण मिले, हमारा देश प्रगति करना चाहिए, भारत क्यों नहीं विश्वगुरु बन जाता, क्या हम बना रहे हैं भारत को विश्वगुरु, नहीं, हम ही खुद पीछे धकेल रहे हैं भारत को। तो अपनी ड्यूटीज निभाइए, फंडामेंटल ड्यूटी इसीलिए जोड़ी गई है कि आप अपने कर्तव्यों को निभाएं, कहीं जाकर के नहीं, अपने आसपास रहकर ही, ठीक है, अपने घर पे रह के भी आप पूरी तरह से अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 25 की, और हमारा क्या शुरू हो गया है, धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म के लिए हमारे संविधान ने हमें क्या स्वतंत्रता दी है, तो आर्टिकल 25 में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। जैसे यदि मैं हिंदू धर्म से हूं तो मैं अपने धर्म को मान सकती हूं, उसका जो आचरण, जो व्यवहार, जो विधि, जो नियम उसमें है, उनको फॉलो कर सकती हूं, और मेरे धर्म का प्रचार भी कर सकती हूं, ठीक है। तो ये बात करता है आर्टिकल 25, धर्म की स्वतंत्रता में, धर्म को मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
अब हमने कहा था कि 16(5) छोटा पड़ जाता है आर्टिकल 26 के आगे। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक संस्था बनाने और उसके प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। राज्य इसमें कोई रोक टोक नहीं लगाएगा कि किसी मस्जिद में कौन मौलवी नमाज अदा करवा रहा है या किसी मंदिर में कौन पुजारी पूजा करवा रहा है। ये धर्म का मामला है, इसमें धार्मिक संस्था बनाने और उसका प्रबंधन करने की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 27, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने हेतु सरकार यानी राज्य लोगों पर कर नहीं लगाएगा। राज्य हम क्या हैं? धर्म निरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं। हमारा जो राज्य है, जो भारत है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो कभी भी किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए लोगों पे टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 28, किसी शिक्षण संस्था में जो राज्य द्वारा पोषित है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसी संस्था है जो भारत सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषित है, उससे अनुदान ले रही है, उससे आर्थिक लाभ ले रही है और फिर वो किसी धर्म को प्रमोट कर रही है, यानी धार्मिक संस्था है और किसी धर्म को प्रमोट कर रही है, तो ऐसा वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये तो वही मामला, ये उल्लंघन हो जाएगा ना सीधे सीधे आर्टिकल 27 का। क्या? कि किसी धर्म को बढ़ावा राज्य नहीं देगा, राज्य उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगाएगा। तो यहां पे राज्य क्या कर सकता है? मान लेते हैं कि वर्तमान की गवर्नमेंट को लगे कि हमें हिंदू धर्म को बढ़ावा देना है, तो वो क्या कर सकती है? किसी भी संस्था को बहुत ज्यादा पोषित, बहुत ज्यादा अनुदान, ग्रांट दे सकती है और कहे कि आप करो हिंदू धर्म का प्रचार। लेकिन यहां पे इसीलिए आर्टिकल 28 जोड़ा गया है कि कोई भी ऐसी शिक्षण संस्था जो भारत सरकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रांट लेती है, पोषित होती है, अनुदान लेती है, सहायता लेती है, वो कभी भी धार्मिक शिक्षा अपने संस्था में नहीं दे सकती। ठीक है, तो देखिए बहुत, मैंने कहा ना अनुच्छेद आपस में लिंक्ड हैं, बहुत प्यारे तरीके से संविधान को बनाया गया है, इसीलिए इसमें इतना वक्त लगा। अदरवाइज 5-6 महीने में भी तैयार हो सकता था हमारा पूरा संविधान। बहुत वक्त लगा करके, बहुत आचार विचार, अपने विचार प्रस्तुत करके, विचार विमर्श कर करके उसके बाद संविधान को बनाया गया है। तो इसको पढ़िए, इसका मजा लीजिए। अब ये चारों आर्टिकल आपको याद रह जाएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता हमने याद की थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। मेजर धर्म हम 4 देखते हैं, 4 रिलीजन को हम मेजर मानते हैं और इसी तरह से 4 आर्टिकल है हमारे 25, 26, 27 और 28। बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूं चीजों को ताकि आप लोगों की समझ बहुत शानदार तरीके से बन जाए और आप कभी भी इन आर्टिकल्स को भूलो नहीं, कंफ्यूज ना हो। अब देखिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये 2 हमने देखे थे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में। अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कैसे? आर्टिकल 29(1) में दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो ये क्या अधिकार दिया गया? अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि को बनाए रखने का अधिकार। और 29(2) कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य विधि से सहायता प्राप्त करने वाली कोई भी शिक्षण संस्था, वो किसी व्यक्ति को इस आधार पे वंचित नहीं कर सकती शिक्षा लेने से। आधार कौन कौन से हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक को। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। और देखिए इसके अलावा आर्टिकल 21(a) भी जोड़ दिया गया था। किसका? शिक्षा का अधिकार, कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को शिक्षा पाने का अधिकार है। आर्टिकल 21(a) में भी दे दिया गया है, जो हमने पढ़ा था लाइफ विद डिग्निटी। और उसमें कभी भी आपके सामने जब कैपिटल ए लिखा हुआ आए तो उसका मतलब होता है अमेंडमेंट, यानी उस
अनुच्छेद को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक है। तो ए डिफाइन करता है अमेंडमेंट को, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए है। अब देखिए आर्टिकल 30, और ये दोनों आर्टिकल हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार के तहत। आर्टिकल 30 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ये ठीक वैसा ही अधिकार है जैसा धर्म के मामले में हमें दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके तहत हम आर्टिकल 26 में दिया गया है धार्मिक संस्था बना सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आर्टिकल 30(1) क्या कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 30(2) कहता है शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। जब राज्य सहायता देगा, ग्रांट देगा, अनुदान देगा, तो वो इस आधार पर भेदभाव ना करे कि ये अल्पसंख्यकों के द्वारा बनाई गई संस्था है। तो ये क्या देता है आपको, अधिकार देता है। आर्टिकल 29 और 30 दोनों संस्कृति और शिक्षा से संबंधी हमारे अधिकार हैं। आर्टिकल 31 निरसित हो चुका है, संपत्ति का अधिकार। अब देखिए आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 कहता है मूल अधिकारों का हनन होने पे और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है आपको, और ये किसके तहत है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 से 35 तक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि संविधान में आपको जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका हनन होता है तो आप उनके उपचार के लिए कहाँ जाएंगे, उनके ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत, 32 के तहत। और ठीक यही चीज 226, आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट। अगर आप अपने मूल अधिकारों का हनन होते हुए देख रहे हैं तो आप उनके उपचार के लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और वो फिर आर्टिकल 13 को आधार बना करके आपका उपचार कर देंगे, जो भी मूल अधिकारों का हनन हो रहा है उनको रोक देंगे। अब देखिए आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 संसद को शक्ति प्रदान करता है। किस मामले में संसद की शक्ति, कि कोई सेना का व्यक्ति है या कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो का व्यक्ति है या राष्ट्र की सुरक्षा में लगे हुए ऐसे व्यक्ति जिन्हें मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते, या जिन्हें कितने मूल अधिकार दिए जाएंगे उनका निर्णय कौन करेगा, संसद करेगी। ये शक्ति किसको दी है, संसद को दी गई है। क्योंकि एक बात सोचिए, मूल अधिकारों के तहत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई। अब मान लो कोई खुफिया एजेंसी का व्यक्ति पब्लिकली आकर के ये कहे कि मैंने ये न्यूज इसलिए पब्लिक डोमेन में दे दी है क्योंकि मेरे पास आर्टिकल 19(1)(a) है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकता। राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, सेना का मामला है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन व्यक्तियों को शासन में ठीक तरीके से शासन चलता रहे, व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसद के पास शक्ति है कि उनके मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है, या उन्हें किस मात्रा में मूल अधिकार मिलेंगे जब वो ड्यूटी कर रहे हैं, ये तय कौन करेगा, संसद करेगी। ऐसा ना हो कि कोई सेना का आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए कि मेरे पास भी मूल अधिकार हैं और मैं इतनी अमानवीय परिस्थितियों में रहकर के राष्ट्र की सुरक्षा कर रहा हूं, तो क्या मेरे पास आर्टिकल 21 नहीं है, लाइफ विद डिग्निटी, नहीं है। क्यों, क्योंकि आप राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हो, ठीक है। और ये किसके पास शक्ति है, संसद के पास, किसके तहत, आर्टिकल 33 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 कहता है संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है, कहां पे, जहां पे कर्फ्यू लगा हो, जहां कर्फ्यू लगा हो उस जगह पे
अगर मानव अधिकारों का, मूल अधिकारों का हनन हुआ है और संसद को ये पता है और संसद को ये लगता भी है कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो बेसिकली आर्टिकल 34 बात कर रहा है कंपनसेट करने की, कि यदि किसी जगह पे कर्फ्यू लग जाने के कारण या किसी और परिस्थिति वंश मानवों को, वहां रहने वाले व्यक्तियों को मूल अधिकार नहीं मिल पाए कुछ समय तक, तो उनको कंपनसेट किया जा सकता है, कंपनसेशन दिया जा सकता है आर्टिकल 34 के तहत। संसद ऐसा विशेषाधिकार या कुछ ऐसा कानून नियम बना करके उनको कंपनसेट कर सकती है। अब देखिए आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 है मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए विधान, और ये भी संसद के पास ही शक्ति है कि मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए संसद विधान बना सकती है। जैसे क्या विधान बनाया, आर्टिकल 21A जो हमने अभी देखा था, आर्टिकल 21A बाद में जोड़ा गया ना, इसीलिए मूल अधिकारों को संसद बढ़ा सकती है, उनका दायरा और ज्यादा वास्ट कर सकती है, कम नहीं कर सकती, उनका हनन नहीं कर सकती, कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना सकती जिससे मूल अधिकारों का हनन हो जाए, ठीक है, तो बढ़ा सकती है, ये याद रखिएगा। अब हमारे भाग 3 कंप्लीट हो चुका है, अभी तक हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 का एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में फॉर्म कर लिया है, आर्टिकल 35 तक को हमने याद कर लिया है। अब शुरू होता है हमारा भाग 4। देखिए भाग 4 है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य कैसी नीतियां बनाएगा इसका निर्देशन दिया गया है। डीपीएसपी को आप इस तरीके से समझिए तो आपकी एक समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, कि डीपीएसपी में उन चीजों को बतलाया गया है कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए, राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य कैसे काम करेगा, यानी ये सारी नीतियां बताई गई हैं, निर्देशन दिया गया है राज्य को कि आप अपनी नीतियों को ऐसा बनाइए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। तो निर्देश दिया गया है किसको, राज्य को, सरकार को, कि आप अपनी नीतियों को कैसे बनाओ, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि डीपीएसपी वो भाग है जिसके लिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाया जा सकता कि राज्य ने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, ये बात पहले ही बता दी गई है। कहां पे, आर्टिकल 37 के अंदर ये बात दी गई है कि राज्य डीपीएसपी का पालन करे, लेकिन इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य डीपीएसपी का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले भाग 4 में आर्टिकल 36 को देखते हैं। डीपीएसपी वो चीज है जो गांधी जी की सोच से बिल्कुल मैच खाता है, ये भाग 4 जो है वो कहीं ना कहीं गांधी जी, क्योंकि आप सभी को पता है कि गांधी जी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन गांधी जी के जो विचार थे, वो जैसा भारत चाहते थे, वो संविधान में जो जो क्लोज जुड़वाना चाहते थे, उसको पूरा ध्यान में रखा गया और वो सारी चीजें डीपीएसपी में डाली गई। तो ये बेसिकली आपको कहीं ना कहीं लगता रहेगा हर अनुच्छेद के साथ कि हाँ ये गांधी जी की विचारधारा से बिल्कुल मेल खाता है ये अनुच्छेद। तो देखिए आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, फिर से राज्य को परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 दोनों में ही राज्य की परिभाषा दी गई है। अब देखिए अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है, तो आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 12 और 36 दोनों। अगर आपके उत्तर में दोनों ऑप्शन है तो आप दोनों चूज करेंगे, आर्टिकल 12 भी 36 भी। यदि आपके पास दोनों अलग अलग फॉर्म में है, कि जैसे ऑप्शन ए में आर्टिकल 12 दे दिया, ऑप्शन बी में आर्टिकल 36 दे दिया और सी या डी कुछ अन्य दे दिए, तो आप यहां पे चूज करोगे ए को, आर्टिकल 12 को। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 12 में ही राज्य को परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 36 में ये लिख दिया है कि आर्टिकल 36 में राज्य की वही परिभाषा है जो भाग 3 में है, भाग 3 के आर्टिकल 12 में दी गई है। तो वरीयता आप भी किसको दोगे, आर्टिकल 12 को। लेकिन यदि
दोनों ऑप्शन हैं आपके पास तो आप 12 और 36 दोनों को टिक करोगे। अब देखिए आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा जो हम आर्टिकल 12 में देख चुके हैं, आर्टिकल 37 राज्य डीपीएसपी का पालन करे ऐसा उससे कहा गया है, राज्य से कहा गया है ऐसा हमने माना है कि राज्य डीपीएसपी का पालन करेगा। लेकिन यदि राज्य डीपीएसपी का पालन किसी कारणवश नहीं कर पाता है तो उसके लिए हम कभी भी कोर्ट नहीं जा सकते, उस पर कोई केस नहीं लगा सकते कि राज्य ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, ये याद रखिएगा। जबकि मूल अधिकारों का हनन होते ही हम सीधा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब देखिए राज्य डीपीएसपी का पालन करे ऐसी हमने आशा की है। आर्टिकल 38 का क्या क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा दे, कौन सा लोक कल्याण, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय वाला लोक कल्याण, यानी हमारे समाज में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होना चाहिए, राजनीतिक आर्थिक समानता होनी चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए, ऐसा राज्य काम करे ताकि इन चीजों को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। यहाँ पे हर चीज आशा की नजर से देखिए, होपफुली देखिए कि हाँ राज्य ऐसा करेगा, राज्य को ऐसा करना चाहिए। अब राज्य कितना कर पाता है ये हमारे संसाधनों पे भी निर्भर करेगा, ठीक है, क्योंकि इसे एक बाप और बेटे की भूमिका में आप देख सकते हो कि पिता की भूमिका में है राज्य, वो चाहता है अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर करना। हर पिता चाहता है कि वो अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर चीजें करे। लेकिन यदि नहीं कर पाता है तो उसके लिए कभी कोर्ट नहीं जाया जा सकता, क्यों, क्योंकि पिता चाहकर भी क्यों नहीं कर पा रहा है उनके लिए बहुत भला काम, क्योंकि संसाधन नहीं है उनके लिए और ज्यादा अच्छा करने की, उसकी पिता की भी आशा रहती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे राज्य हमेशा चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कल्याण करे, लेकिन ऐसा कभी कभी संभव कब नहीं हो पाता, जब संसाधनों की कमी चल रही है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 39, और इसीलिए कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं ने इन सारे कामों को डीपीएसपी में रखा कि राज्य समय समय पर जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा, राज्य ये सारे काम धीरे धीरे करता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39, 39 क्या कहता है कि राज्य पुरुष और स्त्री को समान जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, दोनों को ही, पुरुष को भी और स्त्री को भी समान जीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। बी क्या कहता है, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित में हो, यानी जो भी हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति से मिली हुई चीजें, जो भी नेचुरल गुड्स हैं, उन सभी को, भौतिक संसाधनों को, फिजिकल गुड्स को, रिसोर्सेज को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित में करेगा, यानी उससे सभी का भला होना चाहिए, किसी एक वर्ग को नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट ज्यादा ना मिले, ऐसा ध्यान रखेगा राज्य। 39C क्या कहता है, आर्थिक व्यवस्था का सेंट्रलाइजेशन ना हो, किसी एक व्यक्ति के पास ही सारा धन जमा ना हो जाए, ऐसा भी ध्यान रखेगा कौन, राज्य। डी क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि स्त्री है तो उसे कम वेतन दिया जाए, पुरुष है तो उसे ज्यादा वेतन दिया जाए, या स्त्री है तो उसे ज्यादा वेतन दिया जाए, पुरुष है तो कम, नहीं, इस आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। यदि दोनों का काम समान है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, और ये आर्टिकल बहुत बार पूछा गया है, आर्टिकल 39D। ई क्या कहता है, पुरुष स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ऐसा राज्य ध्यान रखेगा, राज्य ऐसे नियम बनाएगा, राज्य ऐसे कानून बनाएगा जिससे किसी भी पुरुष या स्त्री के काम करने वालों का स्वास्थ्य खराब ना हो, दूसरा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ऐसे नियम बनाए जाएंगे। इसीलिए 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को आप काम में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उनकी कैसी है, सुकुमार अवस्था है।
एफ क्या कहता है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण मिले, राज्य ऐसा ध्यान रखेगा, हमारी सरकार का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वो बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण उपलब्ध करवाए ताकि वो अपना व्यक्तिगत विकास अच्छे तरीके से कर सकें। ये सारे क्या हैं, राज्य के कर्तव्य हैं जो उसे निभाने चाहिए। अब देखिए भारत में कितने निभाए जाते हैं, जमीनी हकीकत क्या है, हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, वो सारी चीजें आपको हकीकत पता है, लेकिन संविधान में ऐसी आशा रखी गई है कि राज्य समय समय पर ऐसा करेगा। अब देखिए आर्टिकल 39A है तो अमेंडमेंट से जोड़ा गया है संशोधन के द्वारा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। हाँ, इसके लिए जरूर राज्य ने काम कर दिया है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अब सोचिए आर्टिकल 32 और 226 के तहत मूल अधिकारों का हनन होने पे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा तो सकते हैं, लेकिन क्या एक गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास इतने संसाधन होते हैं कि वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके? नहीं होते। तो क्या करें, राज्य ने क्या किया है, निःशुल्क विधिक सहायता के लिए हर जिले में एक विभाग बना रखा है, ठीक है, तो उसमें जाकर के आप निःशुल्क विधिक सहायता एडवाइजरी, कानून संबंधी एडवाइजरी आप ले सकते हैं और आपके लिए रास्ता खुल जाएगा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का। इससे क्या होगा, सबको समान न्याय मिल सकेगा, तो राज्य ऐसा सुनिश्चित कर चुका है। तो आर्टिकल 39A अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था कि सभी को समान न्याय मिलना चाहिए, ऐसी भी राज्य व्यवस्था करेगा। अब देखिए इन पांचों आर्टिकल को एक साथ याद करना है। एक साथ कैसे याद करेंगे, 40, 41, 42, 43, 44, ये एक साथ याद होने वाली चीजें। जैसे मैंने कहा डीपीएसपी का नाम आने के साथ आपको याद होना चाहिए कि गांधी जी के विचार। अब गांधी जी क्या चाहते थे, ग्राम पंचायतों का संगठन, गांधी जी चाहते थे ग्राम पंचायत होनी चाहिए, उसी से लोगों की भागीदारी इस लोकतंत्र में बढ़ेगी, तभी असली लोकतंत्र भारत कहलाएगा। अब देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, तो इसी के तहत जब भारत आजाद हुआ था तब ग्राम पंचायतें नहीं थी, उसके बाद में राज्य ने ये व्यवस्था की और आज आप देखते हो कि हर जगह क्या है, ग्राम पंचायतें, उनके चुनाव भी होते हैं। अब देखिए आर्टिकल 41 क्या कहता है, राज्य काम, शिक्षा और लोक सहायता देगा। अब इनको आपस में लिंक कीजिए, पंचायत का गठन हो गया, किसके लिए हुआ, लोगों के लिए। अब लोगों को क्या चाहिए, पंचायत से तो उनका पेट भरेगा नहीं, सिर्फ इलेक्शन में वोट दे देने से तो रोटी मिलेगी नहीं उनको, रोटी कैसे मिलेगी, तो राज्य काम भी उपलब्ध करवाएगा, शिक्षा भी देगा और लोक सहायता भी देगा। काम उपलब्ध करवाएगा उन लोगों को जो काम करने की उम्र में है, शिक्षा उपलब्ध करवाएगा बच्चों को, और लोक सहायता जो बुजुर्ग हैं, जो अपंग हैं, जो अभी इस अवस्था में नहीं है कि वो काम कर सके, उन्हें क्या चाहिए, पेंशन चाहिए, बेरोजगारी भत्ता चाहिए, वो सारे काम किस में आएंगे, लोक सहायता में। तो देखिए पंचायतों का गठन हो गया है, जो लोग काम करने वाली उम्र में हैं, अवस्था में हैं, उन्हें काम दिया जाए, जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दी जाए और लोक सहायता दी जाए, ये सारे काम कौन करेगा, कर्तव्य किसका है, राज्य का। चलिए अब काम तो दे दिया, अब नेक्स्ट क्या है, काम देने के बाद सिर्फ काम देने से बात नहीं बनेगी, आपको उस काम में मानवोचित दशा भी देनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी महिला को एक ऐसा काम पकड़ा दिया कि उसमें उसकी गरिमा ही नहीं रह पा रही है, तो देखिए काम की जगह कैसी होनी चाहिए, मानवोचित दशा, और महिलाओं को प्रसूति सहायता ये भी प्रदान राज्य करेगा, तो इसीलिए मैटरनिटी लीव भी मिलती है और उन मैटरनिटी लीव मिलने के साथ उनकी पगार भी मिलती है, उस ड्यूरेशन की उनको तनख्वाह भी मिलती है। तो देखिए ये किसके तहत किया गया है, आर्टिकल 42 के तहत राज्य ने ऐसी व्यवस्था की है, काम की मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता। अब देखिए चलिए आपने सबसे पहले पंचायतों का गठन कर दिया, फिर लोगों को काम भी दिला दिया, काम की मानवोचित दशाएं भी दे दी, अब क्या चाहिए, सिर्फ दशाओं से काम थोड़ी चलेगा, जीवन निर्वाह योग्य वेतन, जो काम दिया गया है उस काम में इतना वेतन भी तो होना चाहिए, इसीलिए मिनिमम भत्ता, मिनिमम रोजगार की दर, मिनिमम मजदूरी की दर निश्चित की गई है,
ठीक है, जीवन निर्वाह योग्य वेतन, कि इससे कम पे कोई भी व्यक्ति किसी से मजदूरी नहीं करवा सकता। वो इसीलिए दी गई है क्योंकि अगर जीवन निर्वाह योग्य वेतन ही नहीं मिलेगा तो ऐसा काम करके कोई कैसे अपना जीवन यापन करेगा। तो देखिए, सबसे पहले पंचायतों का गठन किया, उसके बाद काम दिलवाया गया, काम में मानवोचित दशाएं दी और जो महिलाएं हैं उनको प्रसूति सहायता भी दी, उसके बाद काम ऐसा कि जिसमें जीवन निर्वाह योग्य वेतन भी मिले। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 44, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, नींद में भी उठा के पूछ लिया जाए तुरंत बता दो। उनमें से एक है आर्टिकल 21, लाइफ विद डिग्निटी, जीवन गरिमा में होना चाहिए, तो ये तुरंत याद रखने वाला है आर्टिकल 44, ये हमेशा ही याद रखना है आर्टिकल 44। 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अब ये क्या चीज है, तो देखिए भारत में 99% मामलों में तो समान नागरिक संहिता है, जैसे अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कुछ और हो, उसे वैसी ही सजा मिलेगी जैसी कानून में उल्लेखित है। ये आधार नहीं बन सकता कि ये मुस्लिम है तो इसको ज्यादा सजा दो, हिंदू है तो और ज्यादा सजा दो, क्रिश्चियन है तो और कम दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। समान नागरिक संहिता अब 99% में तो है सेम, 1% कहां पे नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, कुछ विवाह संबंधी नियम, कुछ तलाक संबंधी नियम जो कि अभी भी धर्म पे आधारित है, हिंदुओं में, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में। अभी आपने 3 तलाक वाला मामला देखा होगा, वो अपने आप में एक बड़ी केस स्टडी है जिसे हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे और आर्टिकल 44 को ही आधार बनाकर डिस्कस करेंगे कि क्यों 3 तलाक वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल बहुत शानदार निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, समान नागरिक संहिता की तरफ, यानी विवाह संबंधी भी और तलाक संबंधी भी नियम समान होने की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और राज्य ऐसा कैसे कर सकता है, समान नागरिक संहिता के तहत, उससे ऐसी आशा रखी गई है कि वो भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करे, ऐसा कर्तव्य है राज्य का। अब देखिए आर्टिकल 45, ये सारे फिर से आपस में लिंक हैं, जैसे 44 तक आपस में लिंक थे, 40, 41, 42, 43, 44 आपस में लिंक थे, ठीक उसी तरीके से 45, 46, 47, 48 ये आपस में लिंक हैं। कैसे, आर्टिकल 45 ये बात कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अब यहाँ पे 6 वर्ष से कम आयु के बालक लिखा है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 21A जो है इसमें हमने देखा 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया है, मूल अधिकार बना दिया गया है, राज्य ने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब यहाँ पे राज्य का क्या कर्तव्य है, 6 से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रैप आप जिसको कहते हो, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करे राज्य। आर्टिकल 46 ये क्या कहता है, एससी एसटी और अदर वीकर सेक्शन के लिए शिक्षा व अर्थहितों की वृद्धि करेगा राज्य। तो देखिए शिक्षा और अर्थहित, पहले तो हमने क्या किया, बच्चों को शिक्षा दे दी, उसके बाद हमने कहा एससी एसटी के लिए शिक्षा व अर्थहितों की वृद्धि के लिए राज्य काम करेगा, ऐसा कर्तव्य है राज्य का। अब देखिए इसी से लिंक ये कैसे होगा कि आपने शिक्षा तो दे दी है, 6 साल के बच्चों की भी देखरेख कर दी, शिक्षा दे दी, एससी एसटी वीकर सेक्शन के बच्चों को भी शिक्षा दे दी, उनके अर्थहितों की वृद्धि भी कर दी, लेकिन क्या सिर्फ शिक्षा से काम चल जाएगा, नहीं, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा तथा लोक स्वास्थ्य में भी सुधार करे। ये 3 चीजें, तीनों को समझना, पहला राज्य का क्या कर्तव्य, पोषाहार देना, तो जो स्कूलों में मिड डे मील का प्रोग्राम चलाया गया है राज्य द्वारा, तो राज्य अपना कर्तव्य निभा रहा है, ठीक है, यानी ये डीपीएसपी में लिखा हुआ भी था कि राज्य का ऐसा कर्तव्य होगा। तो सिर्फ शिक्षा से काम नहीं चल सकता, जैसे सिर्फ
पंचायतों के गठन करने से, उनमें वोट दे देने से काम नहीं चल रहा था। क्या देना पड़ा? काम देना पड़ा। काम देने के बाद मानवोचित दशाएं देनी पड़ी। मानवोचित दशा दे दी, अब काम के लिए वेतन भी तो उतना दो जिससे जीवन निर्वाह हो सके। और ये सब हो गया तो अब कॉमन सिविल कोड ले आओ, आर्टिकल 44। ठीक उसी तरीके से 45 कहता है 6 साल से कम के बच्चों के लिए प्रैप जैसी व्यवस्था करे राज्य, उनकी देखरेख करे, शिक्षा का उपबंध करे। फिर एससी एसटी और अदर वीकर सेक्शन के लिए शिक्षा व अर्थ हितों की वृद्धि करे। अब शिक्षा तो दे दी, लेकिन पेट भी तो भरा होना चाहिए। तो राज्य का कर्तव्य है कि वो पोषाहार के लिए काम करे और जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, लोक स्वास्थ्य में सुधार करे। अब जब पोषाहार की बात हुई है तो यहाँ पे मादक पदार्थों के सेवन पे राज्य रोक लगाए, क्योंकि सिर्फ पेट भर गया लेकिन मादक पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है तो उससे जीवन स्तर ऊंचा कैसे हो पाएगा। तो राज्य मादक पदार्थों पे रोक लगा सकता है, स्वास्थ्य में सुधार के लिए उन दवाओं को वितरित करवा सकता है जो जरूरी हैं, और उन दवाओं पे रोक लगा सकता है जो मादक पदार्थों की श्रेणी में आती हैं। तो ये कर्तव्य है राज्य का, ठीक है। अब देखिए, पोषाहार की हमने यहाँ पे बात की, ये सीधा लिंक है कृषि और पशुपालन से। शिक्षा दे दी, पोषाहार दे दिया, स्वास्थ्य में सुधार कर दिया, मादक पदार्थों पे रोक लगा दी गई है। तो अब हम किसकी बात करेंगे? पोषाहार मिलने के लिए क्या चाहिए? कृषि और पशुपालन, तभी तो लोगों का पेट भरेगा, तभी तो जीवन निर्वाह योग्य वो खड़े हो पाएंगे, ठीक है। तो क्या चाहिए यहाँ पे? खेती चाहिए, पशुपालन चाहिए। राज्य क्या करे इसमें? राज्य कृषि में टेक्नोलॉजी लाए, राज्य कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो जरूरी अनुदान है उसको प्रोवाइड करवाए। अगर किसानों की खेती बर्बाद हो गई है तो राज्य वो कंपनसेट करे। तो कृषि के लिए काम करना और पशुपालन को, दुधारू पशु जो हैं, ताकि जो नागरिक हैं भारत के वो पोषण से युक्त हों, कुपोषित ना हो, तो पशुपालन को बढ़ावा दे, उनमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे, कृषि को बढ़ावा दे, तभी तो पोषाहार दे पाएगा राज्य। अगर कृषि नहीं है तो राज्य पोषाहार वाले कर्तव्य का निर्वहन कैसे करेगा? तो कृषि को और पशुपालन को बढ़ावा दे दिया गया है। अब देखिए, अगर पर्यावरण का संरक्षण नहीं है, यदि पर्यावरण संरक्षण नहीं कर रहे हैं लोग, हमारा वातावरण इतना दूषित हो चुका है, प्लस में एसी ड्रेन हो रही है, तो आप ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट आ रहे हैं, तो एक बात बताइए, कृषि और पशुपालन हो कैसे पाएगा? वैसे भी भारत में कृषि क्या है? एक मानसून के साथ जुआ है, और उसके ऊपर भी हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं करेंगे तो धीरे धीरे कृषि का क्या होगा? हाश होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि खेती जो पहले की तुलना में नंबर ऑफ पर्संस की घट रही है, यानी खेती करने वाले लोगों की संख्या घट रही है धीरे धीरे। तो देखिए क्यों घट रही है, क्योंकि खेती कृषि उतना आउटपुट नहीं दे पाती जितना इनपुट मांगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि कृषि और ज्यादा बड़ा जुआ होती जा रही है मानसून के साथ। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण का संरक्षण, आपस में लिंक कैसे हैं 48A तक। देखिए आर्टिकल 45 कहता है कि 6 से कम आयु के बच्चों को आप शिक्षा दे दो। 46 कहता है एससी एसटी या अदर वीकर सेक्शन के लिए शिक्षा व अर्थ हितों की वृद्धि का कर्तव्य निभाए राज्य। 47 क्या कहता है, ठीक है शिक्षा तक की तो बात हो गई है, 47 में बात कर लेते हैं पोषाहार की, क्योंकि पेट भी तो भरा होना चाहिए, पोषण भी तो मिलना चाहिए, स्वास्थ्य भी तो अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज शिक्षा लोगे कैसे। तो बात किसकी कर ली? पोषाहार की, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की, लोक स्वास्थ्य की, और मादक पदार्थों पे रोक लगाने की बात कर ली, आर्टिकल 47। 48 क्या कहता है, आप पोषण कैसे दोगे? कृषि से देंगे। तो कृषि को सुधारने का कर्तव्य किसका है? राज्य का है। कृषि को बढ़ावा दे, पशुपालन को बढ़ावा दे, उसमें टेक्नोलॉजी लाए, नए नए इनिशिएट ले। तो आर्टिकल 48 बात करता है कृषि और पशुपालन की। अब देखिए कृषि कब अच्छी होगी, जब हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण बिल्कुल स्वच्छ होगा। तो पर्यावरण का संरक्षण होना बहुत जरूरी है, तभी अच्छी वर्षा होगी। चलिए 49,
अभी तक हमने बात कर ली है 48 तक में। ये सारी चीजें थी राज्य का कर्तव्य यहाँ के नागरिकों के प्रति कि राज्य का क्या क्या कर्तव्य है। अब देखिए राज्य का ये भी तो कर्तव्य है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं या वस्तुएं उनका संरक्षण करें, वरना अगली पीढ़ी को अगर हमारे राष्ट्रीय स्मारक जो हैं वो खत्म ही हो जाएंगे, संरक्षण उन्हें नहीं दिया गया, तो अगली पीढ़ी को कैसे बताएंगे कि हमारी क्या संस्कृति थी, हमारा राष्ट्र कैसा था, हमारे पास क्या क्या वो वस्तुएं थी, क्या कौन से स्थान थे, कौन सी इतनी सुंदर अच्छी साइट्स थी। तो उनका संरक्षण जरूरी है, ठीक है, ताकि अगली पीढ़ी को भी हमारे बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में अच्छे अनुभव रहें। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य करेगा, ऐसा राज्य का कर्तव्य है, ये बात करता है 49। आर्टिकल 50 ये क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक हो। यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक नहीं होंगी तो एक बात सोचिए कि कार्यपालिका ने कुछ एग्जीक्यूट किया और वो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, और कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में मिली हुई हैं तो कभी भी न्यायपालिका एक्शन नहीं लेगी। तो इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ा गया है कि आप तो दूर बैठकर देखो कि ये कार्यपालिका ठीक से काम कर रही है क्या। तो इसीलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों पृथक हैं, न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ा गया है। अब आर्टिकल 50 तक हमने ये बात कर ली। अब देखिए भारत को हम बनाना चाहते हैं विश्वगुरु, संविधान निर्माता भी चाहते थे भारत बने विश्वगुरु, क्योंकि हमारा इतिहास हमें बतलाता है कि हम हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में सबसे ज्यादा अच्छे थे। तो सोचिए क्यों ना अब भारत विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त करे। तो देखिए अब विश्वगुरु वही बन सकता है जो वैश्विक है। तो वैश्विक के लिए क्या किया है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे, राज्य ऐसे काम करें जिससे बाकी देशों में भी आपस में शांति बनी रहे और उनमें आपस में मेल जोल बढ़ा रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा भारत, राज्य का ये कर्तव्य है, और ये आर्टिकल है 51। आज के हमारे आर्टिकल जो हम लेकर चले थे कि 1 से लेकर 51 तक पूरे पढ़ेंगे, समझेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में डेवलप करेंगे। तो आई होप अपना उद्देश्य पूरा हुआ है, और इस क्लास को आप बार बार देख करके भी इन चीजों को फिर से रिकॉल कर सकते हैं, प्लस में एग्जाम हॉल में जाने से पहले, या फिर कल आपका एग्जाम है तो जैसे 1-2 दिन पहले आप इसे तुरंत 1 से 51 तक रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सटीक लाइनों में अब हमने आर्टिकल्स को पढ़ा है। तो आपके रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास हिस्ट्री की टाइमलाइन आपने बहुत ज़्यादा पसंद की थी, मैंने बकायदा कमेंट्स देखे हैं और वहीं से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला मुझे। तो आई होप कि ये क्लास भी आपको बहुत पसंद आएगी और हम हमारा ये कारवां कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।